तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी परिस्थिति में हम अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे, अपने ऑडियो को हम म्यूट रखेंगे। अगर हमें कार्यक्रम के वक्ता के उपस्थिति के पश्चात, वक्ता के प्रस्तुतिकरण के पश्चात जब हमें अपना प्रश्न रखना होगा तो हम चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो चैट बॉक्स में लिखकर हम अपने माइक को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम सीधे विशेषज्ञ से जुड़ेंगे। हमारे साथ हर्ष इंटरप्राइजेस से भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब को सादर प्रणाम और इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी धन्यवाद। आप सभी का सीआरसी परिवार की तरफ से और सीआरसी के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी सेवारत सभी प्रतिनिधियों की तरफ से इस पटल पर मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। सीआरसी आपके लिए उन सभी उपायदानों को स्थापित करने में अपनी प्रबल भूमिका निभा रही है जिनसे शिक्षण प्रशिक्षण को श्रेष्ठता दी जाए, प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को उन्नता दी जाए और इस COVID-19 की परिस्थिति में किसी भी दिव्यांग जन को किसी भी तरीके से बौद्धिक नागेश्वर सर सर आवाज आ रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। एक बार आप वीडियो भी चेक कर लें सर। आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय सविता शुक्ला मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम को सादर प्रणाम है और इस पटल पर मैम का बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आपकी तरफ से वीडियो भी स्पष्ट रूप से आ रहा है, वॉइस की क्लियरिटी आपकी तरफ से सुनिश्चित हो चुकी है। मैं और प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कृपया अपना माइक म्यूट रखें। कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे से है और हमारे सभी अतिथिगण, हमारे वक्ता और हमारे सभी विशिष्ट प्रतिभागीगण हमारे बीच जुड़ रहे हैं। सभी का इस पटल पर मैं पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के समन्वयक श्री चंद्रभान द्विवेदी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं द्विवेदी सर से जानना चाहूंगा क्या याग्निक सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं? सर नमस्कार। नागेश सर अभी शायद जुड़े नहीं हैं। जी 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 देखिए, वैसे मैंने भेज तो दिया है जेंटल रिमाइंडर सर, एक बार आप थोड़ा सा। जी जी देखता हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की इस प्राथमिक बेला पर जब हमारे विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त हमारे सभी प्रतिभागी हमारे बीच जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मानसिक सुदृढ़ता और मानसिक उन्नयन के लिए वर्तमान समय में गूगल मीट या भिन्न भिन्न सार्वजनिक पटल के जो ये भाव जो हमारे आपके बीच बौद्धिक उन्नता को स्थापित कर रहे हैं, इनमें अपना जुड़ाव सुनिश्चित करना हम सभी के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता तथा अपनी मानसिक सुदृढ़ता को उन्नत बनाने के लिए अति आवश्यक है। यह परम आवश्यक है। विशेषज्ञों के कोट में आपके बीच कहना चाहूंगा, यह परम आवश्यक है कि हम अपने को ऐसी विकट परिस्थिति में व्यस्त रखें और व्यस्त ऐसी परिस्थिति में रखने के लिए एक सकारात्मक भाव में, एक बौद्धिक उन्नत के भाव में और एक ऐसे भाव में जहां ज्ञानता हो, जहां श्रेष्ठता हो, जहां सीखने सिखाने का भाव हो और जहां दूसरे के लिए प्रशिक्षणात्मक ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। कितना सुअवसर है कि आज सभी हमारे प्रतिभागियों को, हमारे सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों को, उनके विशेष शिक्षकों को एक ऐसा पटल मिल रहा है भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा, विशेषकर सीआरसी लखनऊ के द्वारा, जिसमें कठिनता से प्राप्त
दूर दराज में बैठे हुए हमारे भाई हमारी बहनें जिन्हें इस तरीके की सेवाएं और किस तरीके से उनका अनुपालन हो, कैसे हम डिपार्टमेंट के सक्षम पदाधिकारी से जोड़े, वह आज साफल्य है। एक क्लिक पर घर से आप जुड़ते हैं और इस उन्नता में अपनी सहभागिता को पूर्ण करते हुए आप बौद्धिक ज्ञानार्जन करते हैं तथा वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस चिंतन को हम सृष्टोत भाव में प्रथम पायदान पे रखेंगे, उसका चिंतन मनन और वर्धन करते हैं। यह सारे प्रयास दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नई क्रांति, दिव्यांगता के क्षेत्र में सामाजिक उन्नति को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। हमारे बीच आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री नंद किशोर याग्निक सर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज जुड़ चुके हैं। सर को मैं सादर नमस्कार करता हूं और इस पटल पर सीआरसी के संपूर्ण परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। पांडे जी धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समस्यात्मक व्यवहार प्रबंधन की तकनीकियां। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं, जैसा मैं आप सभी लोगों को ज्ञात कराया, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज आदरणीय श्री नंद किशोर याग्निक सर। आज की मुख्य वक्ता हैं आदरणीय सविता शुक्ला मैम, व्याख्याता बौद्धिक अक्षमता सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र जी, अनुस्तुति ज्ञान एवं चलशूलता अनुदेशक सीआरसी लखनऊ, श्री आदरणीय पंकज आर्या, व्याख्याता सीआरसी लखनऊ। आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDUNI PPD नई दिल्ली, और इन रचनात्मक गतिविधियों को आयोजित करने तथा इन्हें विधिवत आप सभी प्रतिभागियों के बीच लाने के लिए कुशल निर्देशन हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता हमारे निदेशक सर सभी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम ससमय आपके बीच उपस्थित हो, इस हेतु मैं आपको एक छोटा सा परिचय सीआरसी का आप सभी के मध्य रखना चाहूंगा। सीआरसी प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों के साथ शिक्षण की उन्नता को स्थापित करने हेतु निरंतर इस COVID-19 की ईरा में वेब आधारित कार्यक्रमों को आपके बीच ला रहा है। और केवल जैसा कल एक अभिभावक का प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में मैं अपनी बात रख रहा हूं, केवल हम ये कार्यक्रम एक दिवसीय आपके बीच ला करके और कार्यक्रम की पूर्णता को नहीं देखते हैं, इस पूरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को हम YouTube पर अपलोड करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम हमारे Facebook ID पर लाइव चलता है और निरंतर देखा जा सकता है। सीआरसी लखनऊ के Facebook पेज पर अगर आप जाएंगे तो हमारे निरंतर जो कार्यक्रम हुए हैं, हमारे विशेषज्ञों ने जो PPT प्रस्तुत की है, जो अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच प्रस्तुत की है, उसे विधिवत आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने भावों को और पुष्ट कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी जन हैं तो आपके लिए यह गोल्डन चांस है, अगर आप अभिभावक जन हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर है। सीआरसी के YouTube चैनल को आप सर्च करें, देखें और अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, जिससे सीआरसी के विभिन्न गतिविधियों को आप तक ससमय लाने में हम सक्षम और समर्थ हो सके। हम अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए निरंतर ज्ञानात्मक
भावों को, प्रशिक्षणात्मक भावों को तथा जागरूकता के भावों को आपके बीच रखते जा रहे हैं। आप सभी निरंतर हमें फॉलो कर रहे हैं और निरंतर आप सभी का सहयोग मिल रहा है, तो सीआरसी की सेवाओं को निरंतरता के साथ प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने उपस्थित है। आप जो सहज समझे, जो सरल समझे, उन भावों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है, मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम हमारे बीच सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए, और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नंद किशोर याजिक सर, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज का स्वागत कर आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रमेश पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्पष्ट आपकी आवाज पा रही है? सविता जी, आ रही है सर, आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आज के इस विशेष प्रोग्राम में जिसका आयोजन आपने बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में किया है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका विषय है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समस्यात्मक व्यवहार प्रबंधन की तकनीकें, इस वेबिनार के लिए मैं हमारे सीआरसी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मैं बचपन डे केयर सेंटर के ऑफिस बियरर्स, उनके ऑफिसर्स सबको धन्यवाद देता हूँ। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जो कि हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं, श्री नंद किशोर याज्ञिक जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो कार्यक्रम समन्वयक हैं आज के, राजीव जी, विकास मिश्रा जी, नागेश जी और पंकज आर्या जी, आपके प्रति भी आभार। आज की हमारी मुख्य वक्ता सविता शुक्ला जी जो लेक्चरर हैं सीआरसी लखनऊ में, मैडम आपके प्रति भी मेरा आभार है, और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आज के इस प्रोग्राम में सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि प्रयागराज से काफी लोग आज जुड़े होंगे, और वहाँ के जो प्राइमरी टीचर्स हैं, बचपन डे केयर के टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, इटिनरेंट और रिसोर्स टीचर्स हैं, वो इस बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे। मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि सीनियर रिहैब प्रोफेशनल सत्यदेव शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके सबका भी मैं स्वागत करता हूँ सीआरसी लखनऊ के इस कार्यक्रम में। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देखिए पैंडेमिक में हमारे जो बच्चे हैं वो सर्विस के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, और या जिस तरीके का उनको सपोर्ट मिलता था, सेंटर बेस्ड सपोर्ट जो मिलता था, कम्युनिटी का जो सपोर्ट मिलता था, मेडिकल या थेरेप्यूटिक सपोर्ट जो मिलता था, वो रुक गया है। अब इस डिस्टेंस या वर्चुअल मोड में बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो होम बाउंड होने के बाद उनके व्यवहार में, उनके डे टू डे एक्टिविटीज में, उनके डेली लाइफ स्किल्स में, उनके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, या उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो स्किल्स उन्होंने सीखी थी उसके परफॉर्मेंस में जो लैप्सेस आए हैं, जो दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये टॉपिक हम सब के लिए, ना केवल बचपन डे केयर्स के टीचर्स के लिए, ना केवल हमारे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, बल्कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेक्टर में अपना कैरियर बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, या ग्रास रूट लेवल पे दूसरे जो कार्य कर रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हों, उन सब के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि ये पैंडेमिक की वजह से जो गैप आया है, जो हमारे बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनको अप्रोप्रिएटली एड्रेस कैसे करना है, कहाँ ग्लिचेज आ रहे हैं, और किस तरह का रेफरल दे के हम उनके पेरेंट्स को, उनके सिबलिंग्स को, खुद दिव्यांगजनों को, या उनके जो कम्युनिटी में आसपास के उनके लोग हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सबको अप्रोप्रिएट रेफरल दे के कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है, और इस महामारी के दौर में उनको, उनका जो स्किल है, उनकी जो एनर्जी है, उसका, उसको मेंटेन रखा जा सके और उसका पॉजिटिव यूज किया जा सके, उनको पॉजिटिविटी की तरफ इंक्लाइन किया जा सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिशा में मैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनने के लिए सीआरसी के अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूं,
और मुझे पूरी आशा है कि आज की हमारी स्पीकर इस विषय के साथ डिस्कस करेंगे। मैं फिर से अपने मुख्य अतिथि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज श्री नंद किशोर याज्ञिक जी का अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी के सभी बेनिफिशियरीज, स्टाफ, पेरेंट्स और हमारे जो दूसरे हमारे पार्टनर्स हैं सबके तरफ से मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का मैं फिर से स्वागत करता हूं और अपने सभी पूरी टीम को, पूरे टेक्निकल स्टाफ को मैं आज के इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, निरंतर हमें सैकड़ों प्रतिभागियों के मैसेज मिलते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत और कार्यक्रम के पश्चात कि हम जुड़ नहीं पाए। 250 सीट की हमारी लिमिट है। मैं सभी से निवेदन करूंगा जो नहीं जुड़ पाते हैं या जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप तक अगर उनकी सूचनाएं आती है तो उन्हें बताएं कि हमारे फेसबुक लाइव पे जाएं, यूट्यूब लाइव पे जाएं, क्योंकि 250 के पश्चात हम यहां नहीं जुड़ पाते। यह एक सूचना थी जो सभी के लिए मान्य है। आगे मैं अब बुलाना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य को प्राप्त आरणी श्री नंद किशोर याज्ञिक सर, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज को, कि आप आए और आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन देते हुए बचपन डे केयर के विषय में अपने भाव हमारे बीच रखें। श्री नंद किशोर याज्ञिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आवाज स्पष्ट। आज इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। मैं श्री रमेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और विशेष आभार। मुलाकात नहीं हो पाई, मैं लखनऊ में था पहले, संयोग ऐसा, लेकिन मुझे आज यहां बुलाया गया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद मैं स्मिता जयवंत मैडम को भी दूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम में हैं तथा मेरे और सहयोगी हैं इस कार्यक्रम में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के इस विषय पर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समस्यात्मक व्यवहार प्रबंधन की तकनीकियां विषय पर आयोजन हेतु जो क्षमता वर्धन एवं समस्या शिक्षण प्रशिक्षण की विषय में चर्चा होनी है, मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में मेरा प्रयागराज बचपन डे केयर सेंटर भी संयुक्त तत्वाधान में है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि बचपन डे केयर सेंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के 18 सेंटरों में से एक प्रयागराज में सीपीआई कैंपस में संचालित है, जहां पर 3 से 7 वर्ष के 3 कैटेगरीज के बच्चे यहां प्रवेश लेते हैं, जिसमें से दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का यहां प्रवेश अप्रैल माह से शुरू होता है। प्रयागराज में इस समय 60 सीटें हैं, विभिन्न कैटेगरी के लिए 20-20 सीटें हैं, जिसमें 60 बच्चों का प्रवेश लिया जा रहा है। इस समय चूंकि वैश्विक महामारी चल रही है तो आजकल सेंटर बंद है मेरे यहाँ, और बच्चों में सारी सीटें हैं लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों की कुछ सीटें रिक्त हैं, जो प्रयासरत हैं कि उनको अगले सेशन में पूरी भर ली जाए। बचपन डे केयर सेंटर में राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त आवागमन की व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को उनके घर से लाना और छोड़ना, इसके अलावा मध्याह्न भोजन भी जो पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है, मेनू के अनुसार उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मेरे यहाँ इस समय वर्तमान में 6 विशेष शिक्षक और 1 कोऑर्डिनेटर समन्वय कार्यरत हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं देखता हूँ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका विकास हो और वो भी समाज की मुख्यधारा में जल्दी से आए। इसके अतिरिक्त हमारे बचपन सेंटर डे केयर सेंटर में थेरेपुटिक सर्विसेस भी हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और म्यूजिक के लिए भी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर
मानदेय पर विशेषज्ञ आते हैं और बच्चों को उसकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खेलकूद के विषय में बच्चों के खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए भी हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। कंप्यूटर गेम है, लैपटॉप है और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन भी किया जाता है। हमने एक खेल वाटिका भी यहाँ पे बनवा रखी है, जहाँ बच्चे ज्ञानार्जन के बाद खेलकूद अपना शिक्षकों के विशेष शिक्षकों के सहयोग से करते हैं और उनका मनोरंजन भी होता है वहाँ पर। इस तरह मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे इंटीग्रेट हो चुके हैं नॉर्मल स्कूलों में भी, और मेरे जो टीचर्स हैं, जो विशेष शिक्षक हैं, वो पूरी लगन से इन बच्चों के ज्ञानार्जन में लगे रहते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण में। इस समय वैश्विक महामारी के दौर में चूंकि स्कूल बंद है, तो मेरा प्रयास है कि इन बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाए, और मेरे जो विशेष शिक्षक हैं पूरी मन से लगे हुए हैं और उनके विकास में पूरी भागीदारी है उनकी। इसके अतिरिक्त अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा सर आपकी वॉइस कार्डियक इम्प्लांट सर्जरी करवा करके पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पीच थेरेपी वगैरह दिलाकर उन बच्चों को बोलने सुनने लायक बनाया जाए और समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। इस तरह वो बच्चे बोल भी रहे हैं, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी लगातार चल रही है, और भी जो भी बच्चों की यहाँ पर है प्रयागराज में, कोशिश कर रहा हूँ कि और भी बच्चे जागरूकता करा रहा हूँ कि आ गए यहाँ एडमिशन लें। कोशिश होगी कि अगली सीट अगर बढ़ जाती है तो उनको भी यहाँ पर प्रवेश दिलाया जा सके। इस तरह से हमारे यहाँ जो बचपन डे केयर सेंटर संचालित है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं काफी एनर्जेटिक हैं, और इसके अतिरिक्त बाकी जी चीजें वो आपको बताएंगे। मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ पांडे जी का कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने सम्मिलित किया। धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में स्थापित 18 बचपन डे केयर सेंटर प्रारंभिक अवस्था की शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। जैसा सर ने बताया कि बचपन के भावों को शैक्षणिक युक्तता में परिलक्षित करता हमारा यह श्रेष्ठतम 18 सेंटर। इसके सीटों की संख्या सर ने 60 बताई। मैं सभी प्रतिभागियों से इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्हे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को कैसे बचपन डे केयर सेंटर तक ले जाएं, वहां प्रवेश सुनिश्चित कराएं, इसकी भी जागरूकता हम में हो और वहां तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो सके। मैं इस क्रम में आमंत्रित करूंगा बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के समन्वयक श्री चंद्रभान द्विवेदी जी को कि आए और प्रवेश की प्रक्रिया पर प्रकाश डाल। श्री द्विवेदी जी नेटवर्क की वजह से शायद द्विवेदी जी हमसे लेफ्ट हो चुके हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आज की मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सविता शुक्ला मैम को, व्याख्याता बौद्धिक अक्षमता सीआरसी लखनऊ को, कि आप आए और आज के विषय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं समस्यात्मक व्यवहार प्रबंधन की तकनीकियां, इस पर अपने भाव हमारे बीच रखें। आदरणीय सविता शुक्ला मैम। नमस्कार नागेश जी, और आज के इस वेबिनार में सर्वप्रथम मैं पीडीयू एनआई पीपीटी की डायरेक्टर मैडम निदेशक महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का हार्दिक स्वागत और नमस्कार करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे आने की अनुमति दिया। दूसरा मैं डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ रमेश कुमार पांडे सर का, जो नित नए वेबिनार्स आजकल आयोजित कर रहे हैं और सभी को रिसोर्स पर्सन को दूर दराज तक जोड़कर सब तक अपनी सूचनाओं को अवगत कराने के लिए प्रयासरत हैं।
और सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अवसर दिया। तो सर का नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नंद किशोर याज्ञिक जी का, जिला दिव्यांग अधिकारी प्रयागराज का, बचपन डे केयर सेंटर जिनके अंडरटेकिंग में रन कर रहा है प्रयागराज। और प्रयागराज में जो बचपन डे केयर सेंटर है वो छोटे बच्चे को कैसे स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार करे उसके लिए फोकस करता है, जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे और बौद्धिक अक्षम बच्चे और श्रवण बाधित बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में स्कूल रेडीनेस की स्किल को सीख के फिर उसके बाद स्कूल के लिए तत्पर होते हैं और मेनस्ट्रीमिंग में जुड़ते हैं। तो ऐसा सर ने बताया बचपन डे केयर सेंटर्स के बारे में, अभी सर को सादर नमस्कार करती हूँ। और सेंटर के कोऑर्डिनेटर, टीचर्स और सेंटर के जितने अभिभावकगण हैं और जितने प्रोफेशनल्स हैं और भी प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी का इसमें स्वागत करती हूँ। हम चाहते हैं कि आज इस वेबिनार में जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज पे है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए कौन सी ऐसी तकनीकें हैं, कैसे हम समस्या व्यवहार का पहचान करेंगे, कैसे कौन सी तकनीक से हम कैसे उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे उसको हम एक्टर्स को हम जानेंगे और उसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, जो आप घर पे बैठ के ही, चाहे पेरेंट्स हो और चाहे हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, सभी लोग के लिए ये यूजफुल होगा। अपने घर पे बैठ के ये काम कर सकते हैं क्योंकि इस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो घर पे ही हैं, तो घर पे रह के उनमें ये सब से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर आप उसी समय पे ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको अप्लाई कर सके और उसके दौरान आप कुछ बच्चों के लिए कर सके और उसके बाद भी अगर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है बच्चे के लिए, तो इतने सेंटर्स हैं, इतने साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सेवा हर जगह COVID-19 को देखते हुए शुरुआत की गई है। तो आज ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें हम आप लोग से रूबरू होंगे थोड़ा सा वक्ता के थ्रू। तो सबसे पहले हम बता दें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स, बिहेवियर क्या होता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। नागेश जी, पीपीटी को जरा प्रेजेंट करिए। नागेश जी, नागेश जी, नागेश जी, जी मैम, जी प्रेजेंटेशन किया जा रहा है मैम। हाँ, आप कंटिन्यू करो। तो ऐसा है कि समस्यात्मक व्यवहार के लिए हम सबसे पहले बताते हैं कि समस्यात्मक व्यवहार क्या होता है। व्यवहार क्या है कि जैसे हम आज आप लोग के साथ में जुड़ रहे हैं, आप उधर से जुड़ रहे हैं, हम इधर से जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से व्यवहार है। व्यवहार वो है जिसको जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम निरीक्षण कर सकते हैं, तो वो भी व्यवहार है और जिसको हम मेजरेबल कर सकते हैं। अगर मैं आपको देख रही हूँ, नागेश जी को देख रही हूँ, इतने पार्टिसिपेंट्स को देख रही हूँ, तो ये हमारा देख रहे हैं और कौन क्या कर रहा है वो भी व्यवहार है। जैसे मैं इस समय वक्ता के रूप में बोल रही हूँ, तो ये भी बिहेवियर है, ये मेजरेबल है और ऑब्जर्वेबल है कि हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। वो निरीक्षण योग और मापन योग, वो भी जो क्रिया जो हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, वो बिहेवियर है। बिहेवियर भी होता है हमारा दो तरीके का, एक होता है कौशल बिहेवियर। जी नागेश जी, पीपीटी प्रेजेंट हो रही है, क्षण मात्र में आपके समक्ष आ जाएगी। जस्ट मिनट, अभी पीपीटी आने वाली है, तब तक हम सिंपल लैंग्वेज में ही आपको बता रही हूँ। तो बिहेवियर जैसा कि मैंने बताया कि जो निरीक्षण योग्य है और जो मापन योग्य है, जैसे भी कोई भी बच्चा अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको मैं देख रही हूँ कि हाँ, वो अगर जैसे बच्चा लिख रहा है तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लिख रहा है। वो मापन योग में जब हम उसकी कॉपी चेक करेंगे और वो कैसा लिख रहा है, तो वो हो जाएगा मेजरेबल। तो ये यहाँ पे जो भी क्रिया है जो मेजरेबल है और जो ऑब्जर्वल है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो है बिहेवियर। तो बिहेवियर भी दो तरीके का होता है। अभी पीपीटी शो होने वाली है, मैम भविष्य जो आप कंटिन्यू करें, मैम आप कंटिन्यू करें।
है कौशल व्यवहार जिसको स्किल बिहेवियर बोलते हैं और दूसरा होता है समस्यात्मक व्यवहार। तो कौशल व्यवहार में क्या होगा कि जो हम डेली लिविंग की स्किल्स करते हैं, फंक्शनल एकेडमी की स्किल करते हैं और डोमेस्टिक स्किल हमारी आती है, रिक्रिएशनल स्किल आती है और लैंग्वेज स्किल आती है, तो ये सब हमारी कौशल बिहेवियर स्किल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद ये स्किल बिहेवियर के बाद हमारा समस्यात्मक व्यवहार आएगा कि समस्यात्मक व्यवहार क्या होता है। पीपीटी अभी शेयर हो रही है, उससे आपको क्लियर होता जाएगा थोड़ी देर, जस्ट मिनट। मैम जो टेक्निकल वर्ड है ना उन्हें इंग्लिश में यूज करिए। तो बिहेवियर जैसा कि मैंने बता दिया है, अब ये है पीपीटी शो हो रही है अब आपको, आप सभी को पीपीटी शो हो रही है? यस मैम हो रही है। हाँ, तो बिहेवियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, जैसे एक कौशल व्यवहार होता है और एक समस्यात्मक व्यवहार। ये शो हो रहा है आपको पीपीटी में? वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो मैम, पीपीटी नहीं शो हो रहा है। आप सभी प्रतिभागियों से, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कृपया माइक म्यूट कर लें। पीपीटी आ रही है, सभी को प्रेजेंट हो रही है, आप अपने साइड का नेटवर्क चेक करें प्लीज, सभी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। मैम कंटिन्यू करें। तो जैसा कि बिहेवियर बताया कि स्किल बिहेवियर होता है, प्रॉब्लम बिहेवियर। स्किल बिहेवियर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। जैसे मोटर एक्टिविटीज का मीन्स होता है चलने फिरने से रिलेटेड हमारी जो एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, उसके अंतर्गत भी होता है ग्रॉस मोटर एक फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर होता है जो स्थूल गामक जिसको बोलते हैं क्रियाएं, जैसे ये रस्सी कूद रही है बच्ची, हम लोग चल रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, तो ये सब क्या होता है ग्रॉस मोटर, चलना फिरना दौड़ना ये सब होता है ग्रॉस मोटर के अंतर्गत। फाइन मोटर में है लिखना पढ़ना, जो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं होती है वो फाइन मोटर के अंतर्गत आती है और ये स्किल बिहेवियर का पार्ट है। फिर आ जाएगा एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, ये बहुत बृहद है डेली लिविंग, ईटिंग है, बाथिंग है और ड्रेसिंग है, ग्रूमिंग है, ये बहुत। वाले बच्चों के लिए जब बात करते हैं तो ये आसान नहीं है, ये वाली डेली लिविंग स्किल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे फोकस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के लिए प्रायोरिटी पे होता है। और जैसे बचपन डे केयर सेंटर्स के बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले हम लोग फोकस इस पे करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड मोटर स्किल पे पहले। तो थर्ड आ जाएगा इसी में टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग। फिर आ जाता है लैंग्वेज, लैंग्वेज बच्चे के लिए नेसेसरी है, जैसे आपका एडीएल है स्किल बिहेवियर में और मोटर है तो लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी दो पार्ट हो जाते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव का मीन्स है कि जैसे बच्चे को, जैसे ये टीचर है प्यासे कौए की कहानी सिखा रही है और बच्चे सुन रहे हैं, वो रिसेप्टिव ग्रहण कर। एक्सप्रेसिव का मीन्स है कि बच्चे से अगर टीचर ने कोई या अभिभावक ने कोई चीज पूछा स्टोरी के बाद में या कुछ भी पूछ रहा है, बच्चा उसको समझ के उसका उत्तर दे रहा है, तो ये क्या है हो गया एक्सप्रेसिव। आपको पिक्चर में समझ में आ रहा है ना पीपीटी में आप सबको? यस मैम। फिर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आ जाएगा, नंबर एंड टाइम, ये सब स्किल बिहेवियर के पार्ट्स हैं, फंक्शनल एकेडमिक स्किल में आ जाएगा। फिर डोमेस्टिक एंड सोशल स्किल है, प्री वोकेशनल स्किल है, जो बड़े बच्चों को, हम लोग 14 साल के बच्चे हैं जो 10 से लेकर 18 साल के बच्चों को हम प्री वोकेशनल एज ग्रुप में लेके जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर्स, अब ये हमारे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम बिहेवियर, कौन कौन से समस्यात्मक व्यवहार, पहले हम आपको बता दें समस्यात्मक व्यवहार क्या होता है। समस्यात्मक व्यवहार वो व्यवहार है जो समाज द्वारा मान्य नहीं होता है, समाज द्वारा मान्य नहीं है और एज के अप्रोप्रिएट नहीं होता है। कि जैसे अगर 3 साल का बच्चा है, अगर वो 3 साल का बच्चा अगर टॉयलेट कंट्रोल नहीं है और स्कूल में उसका एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एज एप्रोप्रिएट नहीं है, वो इधर उधर जाके टॉयलेट कर रहा है, तो ये एक तरीके से देखा जाता है प्रॉब्लम बिहेवियर में।
और प्रॉब्लम बिहेवियर एक भी ये भी है कि अगर 14 साल का बच्चा, अगर 2 साल के बच्चे ने अगर कहीं चोरी कर लिया, स्टील कर लिया कहीं पे, कोई किसी की पेंसिल चुरा लिया कुछ, तो ये छोटे बच्चों का है कि ये पार्ट आ जाता है बिहेवियर में, थोड़ा अभी सीख रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम बिहेवियर 10-12 साल का बच्चा करता है, किसी दूसरे के बैग में किसी दूसरे की पेंसिल रख लेता है अपने बैग में, किसी का टिफिन खा लेता है, ये सब, किसी को मारता है, ये सब क्या कर रहा है प्रॉब्लम बिहेवियर, कि वो उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को ही ये स्किल सिखाई जाती है और उस समय ये बिहेवियर उसके में डेवलप हो जाना चाहिए, वो डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अवांछनीय व्यवहार, वो व्यवहार जो समाज द्वारा मान्य नहीं है और एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और जिसको समाज स्वीकृत नहीं कर रहा है वो आ जाएगा प्रॉब्लम बिहेवियर में। अब कौन कौन से प्रॉब्लम बिहेवियर होंगे, तो इसमें सबसे पहले है टेम्पर टेंट्रम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टेम्पर टेंट्रम में ये बच्चा क्या कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दूसरों को लात मारना, दूसरों का धक्का देना, दूसरों को चोटी काटना, दूसरों के बाल खींचना, ये सब क्या आ जाता है हमारे टेंपर टेंट्रम बिहेवियर में आ जाता है। फिर दूसरा है वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किताबें फाड़ रहा है, सीख रहा है, किताबें अपनी जो बुक्स हैं उसको फाड़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है कि अपना वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपना किसमें निकल रहा है, बुक्स में, वो बुक्स को फाड़ रहा है, ये सब हो जाएगा कि इसमें ये वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में। फिर आ जाएगा सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, ये क्या करता है कि बच्चा कभी कभी, कोई कोई बच्चे होते हैं समस्यात्मक व्यवहार इस तरीके का करते हैं कि अपने सर को मेज पे रख के पीट रहे होते हैं, कि मतलब सर के ऊपर अपना गुस्सा इस तरीके से करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है, कि इससे हम कोई एक्टिविटी करने से भी बच रहे हैं और दूसरा ये एक्टिविटी करते रहते हैं इस तरीके की। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि अपना अंगूठा चूसेंगे, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में अपना अंगूठा चूस के उसमें घाव कर देते हैं, और इस तरीके के ऑटिज्म बच्चे ज्यादा करते हैं ऐसा सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, अपने को मारेंगे, तो इस तरीके के बिहेवियर जो हो जाते हैं सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। फिर रिपीटेटिव बिहेवियर का मीन्स क्या है, एक ही कार्य को बार बार करते रहना, पुनरावृत्ति बिहेवियर, कि जैसे बैठे अपना पैर हिला रहे हैं, अपने ये हाथ को अपने चेहरे के पास ला के उंगलियों को फिंगर फ्लिपिंग कर रहा है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती है रिपीटेटिव बिहेवियर में, एक ही बिहेवियर को बार बार करना, अपने एक अगर चाबी का गुच्छा लिए उसी को, चाबी के गुच्छे को अपने आप के पास में घुमा रहे हैं, एक ही एक्टिविटी को बार बार करते रहना, वो क्या हो जाता है रिपीटेटिव बिहेवियर। जैसा कि आप लोग को सबको दिखाई दे रहा है पीपीटी में, यस मैम, जी मैम, स्पष्ट स्पष्ट था। फिर है आ जाते हैं पांचवा पॉइंट, प्लीज बिहेव विद अदर, ये सब टाइप्स हैं आपके प्रॉब्लम बिहेवियर्स के जो आप लोग विशेष मैम हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है सब कुछ, मिस बिहेव विद अदर, ये क्या कर रहे हैं कि देखिए मिस बिहेव विद अदर, दूसरे से उसका एक बच्ची खिलौना ली है और उससे दूसरा बच्चा खिलौना छीन रहा है, तो ये मिस बिहेव विद अदर, ये वाले बिहेवियर हो जाएंगे, दुर्व्यवहार, दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करना। फिर आ जाता है ऑड बिहेवियर। ऑड बिहेवियर का मीन्स क्या है कि कुछ ना कुछ चीजें उठाकर अपने पास में रखना, ये देखिए अब ये डस्टबिन है और डस्टबिन से भी सामान उठा के ऑड बिहेवियर, गंदी चीज को अपने पास में रख लेंगे, विचित्र तरीके का बिहेवियर करना, ये ऑड बिहेवियर में आ जाता है। फिर है हाइपर एक्टिव बिहेवियर। हाइपर एक्टिव बिहेवियर में जैसा कि उसकी माँ है बच्चे को पकड़ रही है लेकिन बच्चा भाग रहा है, कि एक जगह पे नहीं बैठना, बस इधर उधर घूमते रहना, हाइपर एक्टिविटी, उनमें इन्वॉल्व रहना, तो ये एक आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर आठवां है रिवेलियस बिहेवियर। इस बिहेवियर का मीन्स क्या है, वो जो टीचर ऑर्डर देती है या माँ बोलती है, जो ऑर्डर दे रही उसको फॉलो नहीं करना, वो अपनी मर्जी का काम करना है, रिवेलियस बिहेवियर। फिर आ जाएगा एंटी सोशल बिहेवियर, ये जैसे कि बच्चा अपने घर में ये कंटेनर रखा हुआ है उसमें कुछ सामान है उसमें चोरी कर रहा है, अब यही स्किल बिहेवियर अगर बच्चा छोटे से बड़े तक करता जाता है तो वो चोरी में कन्वर्ट हो जाता है एंटी सोशल बिहेवियर। अब ये इतना बड़ा बच्चा है तो इसको ये स्किल में डेवलप हो जाता है कि ये चीज हमको नहीं करना है, पूछ के लेना, तो चोरी करना और इस तरीके के बिहेवियर भी समस्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। फिर है 10 नंबर पे फियर्स, भय। भय किसी भी चीज से बच्चे को हो सकता है, समस्यात्मक व्यवहार इसके अंतर्गत भी आता है,
कभी कभी हम लोग जब इसको साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर में बोलते हैं तो फियर ज्यादा हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर में, जिसको फोबिया बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग का मामला है, उसको फियर्स में ले रहे हैं, और ये फियर्स किसी भी थिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी जानवर से रिलेटेड हो सकता है, किसी जैसे किसी किसी बच्चे को किसी टीचर से भी होता है। तो इस तरीके का कि जैसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चे टीचर से भी बचने के लिए भी कभी कभी ये फियर्स हो जाता है डेवलप। तो किसी भी थिंग्स, कोई भी ऐसी सिचुएशन है उससे भी हो सकता है। तो ये समस्यात्मक व्यवहार के ये प्रकार थे। अब आगे हम आते हैं स्लाइड पे। वाई नीड टू मैनेज प्रॉब्लम बिहेवियर, हमको प्रॉब्लम बिहेवियर की आवश्यकता मैनेज करने की क्यों होती है, क्यों हमको आवश्यक है कि प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेज करना है। तो इसमें सबसे पहला है कि प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूसेस सोशल एक्सेप्टेंसबिलिटी ऑफ चाइल्ड। क्या होता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, सोशल एक्सेप्टेंसी उसकी नहीं होगी, समाज उसको स्वीकृति को कम कर देता है। तो इसलिए मुझे जरूरत है कि प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेज करना है। फिर है दूसरा है प्रॉब्लम बिहेवियर पर्टिकुलरली सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में हार्म द चाइल्ड। कि दूसरा है कि प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होता है कि सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जो है वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा आत्मघाती जो है अपने को मार के ज्यादा मार ले, अपने हाथ को ज्यादा काट ले, अपने जब हाथ को ज्यादा चूसता है अपने हाथ की जो खाल होता है उसको नोचता है, जिससे उसमें घाव हो जाएंगे और ये घाव एंटीसेप्टिक के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, वो उसको बीमारी में आगे आएगा। तो ऐसे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, अपने सर को पटकना, जमीन में लौट जाना, इस तरीके की एक्टिविटीज क्या है कि उसके जो प्रॉब्लम बिहेवियर है एक्सेस हो जाएगी, तो इसको भी मैनेज करने की जरूरत है क्योंकि बच्चे के लिए स्वयं घाती दवा है। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रॉब्लम बिहेवियर में हार्म द अदर चिल्ड्रन। प्रॉब्लम बिहेवियर ऐसा है जो दूसरों के लिए भी घातक है। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा वहां पे प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है उसी क्लास में आके, या घर में अगर एक भाई पढ़ रहा है दूसरा बच्चा उसको प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए भी ये हार्मफुल है। तो ये एक हो जाएगा, इसके लिए भी आवश्यकता है प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेज करने के लिए। फिर प्रॉब्लम बिहेवियर में इंटरफेरेंस टू लर्निंग टू अदर, दूसरे के सीखने में भी ये इंटरफेयर करता है कि दखल अंदाजी करता है समस्यात्मक व्यवहार। कि अगर एक बच्चा कोई चीज सीख रहा है एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, बच्चा उसी में बीच में आके उसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ भी लर्निंग की एक्टिविटी है अगर कोई दूसरा कर रहा है उसके बीच में आपको बीच में जाके इंटरफेयर करना, इसके लिए भी आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम बिहेवियर में इंटरफेरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन अदर बिहेवियर ऑलरेडी लर्न बाय द चाइल्ड। जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको भी, जो बच्चे में पहले से कौशल व्यवहार व्याप्त है, जिस बच्चे में समस्यात्मक व्यवहार है, अगर उसी बच्चे में कौशल व्यवहार है ऑलरेडी पहले से, तो समस्यात्मक व्यवहार के साथ में क्या हो जाएगा, जो उसका कौशल व्यवहार है वो हो जाएगा रिड्यूस होता जाएगा और समस्यात्मक व्यवहार इंक्रीज होता जाएगा। इसके लिए भी हमको प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम BMP, हम लोग प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व करते हैं, उसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उस पर हम आ जाते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई बच्चा है, अगर जैसे आप लोग सब अभिभावक भी जुड़े हुए हैं और हमारे टीचर्स भी हैं प्रोफेशनल्स भी, तो हम इस पॉइंट को लेके जाते हुए हम अपने बच्चे के लिए प्लान को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि हम ऐसे समस्यात्मक व्यवहार का आकलन करेंगे, ऐसे हम उसकी पहचान कर रहे हैं, किस तरीके से हम टेक्निक्स का यूज करेंगे, कैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो ये टेक्निक्स हो जाएगी। तो ये स्टेप से पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर हम सबसे पहला टॉपिक है, उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे को हम कैसे देखते हैं, कि सामने जो बच्चा बिहेवियर कर रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम बिहेवियर की पहचान कर सकते हैं। और दूसरा क्या और हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि हम टीचर्स के थ्रू पूछ सकते हैं, कि जैसे अगर आप क्या, अगर कोई बच्चा, हम कोई स्कूल की बात करते हैं तो कोई नॉर्मल स्कूल की, तो नॉर्मल स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो नॉर्मल स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे टीचर्स भी पूछती हैं कि क्या इसको कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है, क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर इसमें अब दिन प्रतिदिन इसमें चेंजेस होता जा रहा है, अब बच्चों से
ये सब भी अब स्पेशल बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो वहां पे भी ये सब प्रॉब्लम्स की जो चेकलिस्ट बनाई जा रही है उसमें भी एक पॉइंट इसमें भी उसकी फाइल में रखा जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है, और हर बच्चे के नॉर्मल स्कूल में चाहे स्पेशल स्कूल में हर बच्चे की एक प्रोफाइल बनती है, उस प्रोफाइल के अंतर्गत इसमें मेंशन रहता है कि बच्चे का रिकॉर्ड के अंतर्गत उसके कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से स्किल बिहेवियर है, कौन से प्रॉब्लम बिहेवियर है, उसको भी मैनेज किया जाता है और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो एक तरीका हो गया कि हमने टीचर्स से पूछ लिया, अभिभावक से सर्वप्रथम पूछ लिया, और बच्चे को देख लिया कि बच्चा ये एट ए टाइम कैसा प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। और फिर क्या हो जाएगा कि हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन फॉर्मल रूप में चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बेसिक एमआर भी बोलते हैं, बिहेवियर असेसमेंट इसकी बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल ट्रेडिशन। ये हम सभी बच्चों के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें 10 तरीके के प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं, 75 आइटम्स होते हैं, उसके थ्रू हम देखते जाते हैं कि बच्चे में कौन कौन सा प्रॉब्लम बिहेवियर है। ये पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, और हर टीचर क्या ये शायद प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए चेकलिस्ट को शायद यूज भी किया जाता होगा, जो प्रोफेशनल जुड़े हैं शायद उनको पता भी हो इसके बारे में। बेसिक एम आर पार्ट बी इसका यूज होता है इस जगह पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स के लिए। फिर इसके लिए भी अलग अलग है, जैसे ऑटिज्म के लिए अलग करेंगे ईसाई स्केल, और इसके लिए हम करेंगे बेसिक एम आर पार्ट बी इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के लिए या अदर के लिए। तो चेकलिस्ट का प्रयोग हो जाएगा फॉर्मल रूप में, फिर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। अगर जैसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि एक बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, दूसरी उसकी प्रॉब्लम बिहेवियर हो गई, वो दूसरों की बातों को मानता नहीं, तो पहला हमने आइडेंटिफाई क्या किया, प्रॉब्लम बिहेवियर कि बच्चा दूसरों की बात को मानता नहीं है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर कर लिया मैंने। फिर स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में अगर हमने ये कर लिया कि अगर बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर के आगे मैंने ये लिख दिया कि जैसे ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एनी प्रोग्राम ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर इन चिल्ड्रन मस्ट बिगेन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर पोस्ड बाई ईच चाइल्ड, कि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रोग्राम को बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना, मैंने तरीके कई तरीके हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम बिहेवियर, चिल्ड्रन के प्रॉब्लम बिहेवियर को एसेस करने के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू करके पेरेंट्स एंड केयर टेकर से, और चेकलिस्ट का प्रयोग करके। ये हो गई स्लाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए। फिर होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, जो मैंने प्रॉब्लम बिहेवियर सेलेक्ट किया है उसको सही लैंग्वेज में लिखना है, कि जैसे जो हमारी चेकलिस्ट में शो हो, कि जैसे अगर एक बच्चा नटखट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में जो हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल इट इज नॉट प्रॉपर टू राइट दैट द चाइल्ड इज नॉटी, नॉटी का मतलब बहुत सारा ब्रेड है कि बच्चा हो सकता है एक जगह ना बैठता हो, बच्चा दूसरे कुछ गोटी भी काटता हो, बच्चा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नटखट का कोई मतलब नहीं है, नटखट का कोई चेकलिस्ट में कोई माने नहीं, कोई मानक नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि बच्चा एग्जैक्ट रूप में कि बच्चा क्या दूसरे को मारता है, अगर ये लिख रहे हैं बच्चा एक जगह पे नहीं बैठ रहा है, या बच्चे दूसरे की चीजों को चोरी कर लेता है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्ट पोजीशन में, एग्जैक्ट जो उसकी है ऑब्जेक्टिव उसका जो है, उस रूप में हम प्रॉब्लम बिहेवियर को लिखेंगे एग्जैक्ट रूप में। ये सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि नॉटी का कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा शैतान है इसका कोई चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है, पूरा इस तरीके से मेंशन होता है कि दूसरों पर थूक रहा है, चीजें पटक रहा है, इस तरीके की है, दूसरे पे चिकोटी काटना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम ये 75 तरीके की प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, जो टाइप्स ऑफ 10 प्रॉब्लम बिहेवियर जो मैंने बताया है उसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स हैं, उससे हम एसेस करते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिहेवियर निकल के आई। फिर तीसरा हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स, फिर इसमें क्या हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे में निकल के आई है उसको हम जो प्रायोरिटी पे है बच्चा के लिए प्रॉब्लम बिहेवियर, उसका हम प्रायोरिटी हम बनाएंगे कि अगर बच्चे की 3 प्रॉब्लम बिहेवियर निकली है, कि जैसे बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को मार रहा है, और
अपना वर्क नहीं करता है, आदेश को नहीं मानता, ये तीन प्रॉब्लम बिहेवियर है। तो सबसे पहले हम अपना प्रायोरिटी किस बात को रखेंगे, जो प्रॉब्लम बिहेवियर दूसरों के लिए हार्मफुल है, जैसे बच्चा दूसरों पे थूकता है, तो प्रायोरिटी पे हम क्या रखेंगे, पहला प्रॉब्लम बिहेवियर, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर में बच्चा दूसरों को के ऊपर थूकता है तो ये ज्यादा खराब है प्रॉब्लम बिहेवियर, क्योंकि वो दूसरे को भी हार्मफुल हो रहा है कि दूसरे के लिए ये बिहेवियर सही नहीं है और स्वयं के लिए साथ में दूसरे के लिए भी, तो इसको मैनेज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो पहले हम प्रॉब्लम बिहेवियर को एसेस करते जाते हैं, फिर उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम बिहेवियर मुझे पहले उसको चूज करना है जिसका मैनेजमेंट करना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवार्ड, हम जो रिवार्ड बनाएंगे पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या होता है कि जब हम कोई भी पुनर्बलन देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए तो सही है, हम किसी भी एक्टिविटी को जो हम करते हैं उसमें अगर पीछे से फीडबैक मिलता रहता है, वही फीडबैक हमारा रिइंफोर्समेंट का काम करता है, वही रिइंफोर्समेंट है। अगर हम कोई भी काम अच्छा लिख लिए हैं, अगर बच्चे को कोई वर्क दिया है वो बच्चे ने कर लिया, तुरंत मैंने रिइंफोर्समेंट दिया, सोशल रिइंफोर्समेंट दे दिया, गुड, वेरी गुड। अगर ये रिइंफोर्समेंट मिल जाता है तो बच्चे के लिए क्या करता है कि स्किल बिहेवियर को इंक्रीज करता जाता है, वो बच्चा और अच्छे से लिखेगा और ज्यादा कोशिश करेगा, ज्यादा समय उसको देने के लिए लिखने के लिए, और क्या है क्योंकि उसको एप्रिसिएशन मिला, एप्रिसिएशन मींस रिइंफोर्समेंट। हर कार्य का, हर व्यक्ति को रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य, चाहे हम लोग हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कोई भी, अगर रिइंफोर्समेंट मिलता जाता है तो हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा जल्दी से करते हैं और मोटिवेट ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमको करना होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवार्ड जो हम करते हैं, उसमें भी क्या है कि तीन पॉइंट को हम जरूर ध्यान रखेंगे। व्हाट इज रिवार्ड, रिवार्ड क्या होगा, रिइंफोर्समेंट क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा कि व्हाट इज रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट क्या होगा, फिर हाउ टू यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट या रिवार्ड, कि जो हम रिवार्ड यूज कर रहे हैं उसको कैसे प्रयोग करेंगे, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा होगा कि कौन कौन से रिवार्ड होंगे, क्या, क्यों, कैसे, ये इस पे पूरा रिवार्ड निश्चित होता है, रिइंफोर्समेंट होता है जो इस पे फोकस करता है। फिर क्योंकि कोई भी रिवार्ड, ये कोई जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर बच्चे में, हर व्यक्ति में, कोई जरूरी नहीं है कि उसी चीज को, जैसे मुझे टॉफी पसंद है, दूसरे बच्चे को हो सकता है टॉफी पसंद नहीं है, उसको बिस्किट पसंद हो, अगर दूसरे बच्चे को हो सकता है कि क्रिएटिव एक्टिविटी पसंद हो, तो रिइंफोर्समेंट का काम करेगी बच्चे के लिए, रिइंफोर्समेंट के लिए वो क्रिएटिव एक्टिविटी, तो यहाँ पे ये हमको देखना है, रिइंफोर्समेंट का चुनाव करेंगे तो व्हाट इज रिवार्ड या रिइंफोर्समेंट, हाउ टू यूज रिइंफोर्समेंट या रिवार्ड, और हु इज रिवार्ड, कौन सा, कैसा होगा। फिर आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ रिवार्ड, प्राइमरी रिवार्ड कौन सा होगा, फिर मटेरियल रिवार्ड कौन होगा, सोशल रिवार्ड कौन सा होगा, एक्टिविटी रिवार्ड कौन सा होगा, टोकन रिवार्ड कौन सा होगा, प्रिविलेज रिवार्ड कौन सा होगा। तो ये जो मैंने अभी बताया कि प्राइमरी रिवार्ड के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, प्राइमरी रिवार्ड हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम टॉफी बिस्किट दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी रिवार्ड। मटेरियल रिवार्ड क्या हो जाएगा कि जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया, अगर कोई लड़की हमारे साथ में, अगर कोई छोटी बच्ची है उसको हम सर्किल बनाना सिखा रहे हैं, तो अगर बच्ची ने जरा सा भी सर्किल, थोड़ा सा गोले को, जरा सा पेंसिल भी पकड़ा बच्चे ने, तो हमने उसको रिइंफोर्समेंट दिया, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पेंसिल पकड़े, बहुत अच्छे से पकड़ा है पेंसिल, अच्छा काम कर रही है, गुड, वेरी गुड, वेल डन, कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, क्लैप कर देंगे, कुछ भी करेंगे, तो बच्चा मोटिवेट होता है और तुरंत स्किल को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो ये मटेरियल में भी आ जाएगा, ये सोशल रिवार्ड में आएगा ये। और मटेरियल में क्या होगा कि अगर जैसे सर्किल बनाने के लिए हम बोला था, अगर उसको मैं, अगर बच्ची को चूड़ी पसंद है और मैंने उसको चूड़ी दे दी, अगर किसी बच्चे को मटेरियल में क्या बोलते हैं पेंसिल रबड़ पसंद है, तो मैंने पेंसिल रबड़ दे दिया, तो ये मटेरियल रिवार्ड हो गया। सोशल रिवार्ड, गुड, वेरी गुड, वेल डन हो गया। फिर एक्टिविटी रिवार्ड क्या आ जाएगा कि अगर बच्चा क्या करता है कि अगर हमने कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चा अगर फोन से अटैच ज्यादा है, टीवी देखने का आदि ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को उसके पास में एक शर्त रखेंगे कि अगर आपने ये वर्क कर लिया, रिटर्न वर्क कर लिया, या आपने फंक्शनल एकेडमिक जो भी स्किल सिखा रहे हैं,
स्किल बिहेवियर, अगर आपने ये कर लिया उसके बाद आपको एक्टिविटी, अगर उसको इंटरेस्ट है फोन देखने में या टीवी देखने में, उसके बाद आप फोन देखेंगे टीवी देखेंगे, आप बच्चे के लिए कर सकती है। अपने क्लास में हर टीचर्स अपने क्लास में एक टोकन रिवार्ड अपने बच्चों के साथ में रख सकती हैं। ये टोकन क्या होता है कि अगर बच्चे को, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया तो मैंने उसको क्या कर दिया कि एक स्टार दे दिया। अब स्टार उसकी फोटो के आगे स्टार भी लगा दिया बच्चे के, तो क्या हो जाएगा, स्टार लगने से बच्चे को ये पता है कि मेरे नाम के आगे, मेरे फोटो के आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब मैंने ये काम किया था, इसके लिए मुझे ये टोकन मिला। तो ये रिइंफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट था कि ये जो टोकन रिवार्ड, उसमें हम क्या करेंगे, इससे क्या होता है कि बच्चे में एक्टिवनेस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो खुद भी देखते जाते हैं कि मुझे ये, जैसे आर्टिस्ट बच्चे के लिए, स्वलीन बच्चों के लिए, आईडी बच्चों के लिए, इन सबकी बच्चों के लिए अगर आपने टोकन रिवार्ड अगर आपने यूज किया है, स्टार दे देना कॉपी में, उसके बैच में लगा देना उसको, तो ये टोकन रिवार्ड का रूप में काम करती थी। प्रिविलेज की मीन्स क्या हो जाता है कि हम उसको जो भी रिवार्ड दिए हैं, अगर जैसे क्लास में है उसको मॉनिटर बना दिया बच्चे को, जो बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर ज्यादा कर रहा है, तो मैंने क्या किया है कि हम उसको क्लास में मॉनिटर बना दिए, उसके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी। तो जिम्मेदारी देने से क्या हो जाए कि बच्चे में वो प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस होने लगा, क्योंकि उसको ये बोल दिया है कि ये क्लास को मैनेज करना है, पूरी क्लास की सीट में सभी बच्चों की आपको अटेंडेंस के लिए आप बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना है, या पीटी के लिए एक लाइन में बच्चे को खड़ा करना है, ये काम बच्चा कर सकता है। तो इसके लिए हम बच्चे को मॉनिटर के रूप में दे सकते हैं, किसी ग्रुप का नेता बना सकते हैं, किसी एक्टिविटी का लीडर बना सकते हैं। तो ये प्रिविलेज रिवार्ड में होगा। तो ये टाइप्स ऑफ रिवार्ड थे। तो आगे की स्लाइड है हाउ टू गिव रिवार्ड, कि जो मैं रिवार्ड दे रही हूँ वो कैसा होगा। तो इसमें भी पॉइंट है, रिवार्ड ओनली डिजायरेबल बिहेवियर। आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो लास्ट मोमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। यस मैम, है ना। हाउ टू गिव रिवार्ड, रिवार्ड ओनली डिजायरेबल बिहेवियर। रिवार्ड मुझे किसके लिए देना है, मुझे वांछनीय व्यवहार के लिए देना है। रिवार्ड क्लियरली होना चाहिए कि जैसे जो रिवार्ड हम दे रहे हैं वो बच्चे को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मुझे इस कार्य के लिए रिवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा लिख रहे हैं तो हम दे रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हम लिख रहे, ये रिवार्ड दिया जा रहा है। ये नहीं कि मैंने उसने गलत काम किया बच्चे ने और मैंने रिवार्ड उस जगह पे दे दिया। तो ये रिवार्ड का काम बच्चे के लिए क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम बिहेवियर करेगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा मुझे किस लिए, स्पष्ट रूप से नहीं पता है किसके लिए रिवार्ड दिया गया। तो बच्चे को बताना भी स्पष्ट रूप से सही है कि हम किसके लिए रिवार्ड दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं। हम अच्छे वर्क के लिए दे रहे हैं, आपने ये वर्क किया है इसके लिए आपको ये रिवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये हर मदर भी अपने घर में इस तरीके का काम कर सकती है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, एक दो बच्चे सबके घर में होते हैं, तो मदर का ये भी काम होता है कि बच्चे को भी, ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं अपने घर में। कोई जरूरी नहीं कि शिक्षक के लिए यही सब कुछ है, ये सब टिप्स अपने मदर भी यूज कर सकती है, अभिभावक अपने घर पे, कि अपने बच्चों के लिए हम कैसे कैसे रिवार्ड को आइडेंटिफाई करें, कैसे देना है। यानी कि अगर आपने जब यूज करना है उस समय रिवार्ड ना देके अदर समय दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिए हैं, तो बच्चे में ये सब प्रॉब्लम बिहेवियर में इंक्रीज होती है, ये सब इश्यूज होते हैं। रिवार्ड इमिडिएटली, तुरंत रिवार्ड देना चाहिए। तुरंत बच्चे ने लिखा अच्छा काम किया, तुरंत गुड वेरी गुड, तुरंत दे। यानी कि आप आधे घंटे बाद दे रहे हैं, आधे घंटे के बाद में उसका कोई यूज नहीं हो जाता है, रिवार्ड का कोई मतलब नहीं है उस समय। हमारे लिए भी रिवार्ड खत्म हो जाएगा अगर मैंने, अगर आपको सही समय पे आपको गाइडेंस जो ये दे रहे हैं, अगर कोई पेरेंट्स से हमसे पूछता है कि अगर इस समय हम बच्चे के लिए क्या करें, उस समय ना देके हम बोलेंगे कि दो घंटे बाद आपको बताएंगे ये एक्टिविटीज कराइए, तो ये मेरे लिए सबसे बेकार चीज है, क्योंकि हम पेरेंट्स का भी नहीं सहयोग कर पाए, साथ में पेरेंट्स ने सही समय पे अपने बच्चे को भी नहीं किया। तो ये कहा जाता है कि रिवार्ड को इस रूप में भी रखना है, फिर हो जाएगा। रिवार्ड द डिजायरेबल टारगेट बिहेवियर ईच एंड एवरी टाइम आफ्टर इट अक्वायर्स। जैसे ही बच्चा कोई टारगेट बिहेवियर, जो हम स्किल बिहेवियर को अचीव कर रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, मैम पीपीटी इज नॉट विजिबल। नागेश जी नो मैम, शो हो रही है मैम,
पीपीटी रिज्यूम प्रेजेंटिंग हो रही है, बस एक मिनट। आप सभी प्रतिभागी थोड़ा सा सहयोग करें, बीच में आप प्रेजेंटेशन की बटन दबा देते हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन बाधित होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा जो भी प्रेजेंटेशन आपके बीच में आती है, आप सभी प्रतिभागी उसे पिन कर लिया करें, फिर पूरे कार्यक्रम जब तक उसका प्रेजेंटेशन चलेगा आपको वही स्क्रीन दिखाई देगी। आप सभी प्रस्तुत स्क्रीन को पिन कर लिया करें। प्रेजेंटेशन आपके बीच क्षण मात्र में पहुंच रही है, रिज्यूम प्रेजेंटिंग के द्वारा सर इसे प्रेजेंट करें। सर आपकी प्रेजेंटेशन रिज्यूम प्रेजेंटिंग करें सर। जब भी गूगल मीट पर कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो ये सुविधा गूगल मीट में होती है कि अगर उस स्क्रीन को आप पिन कर लें तो इस तरीके की कोई समस्या आपके सामने आपके स्क्रीन पर उपस्थित नहीं होती। आप हमारे सुधीर श्रोता हैं तो अगले क्रम से आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे साथ प्रतिभागी जो जुड़ते हैं उनसे भी निवेदन बारंबार रहेगा, कृपया प्रेजेंट की बटन बीच में न दबाएं जिससे हम इस तरीके की समस्या को फेस न करें। पीपीटी पुनः आप प्रेजेंट हो रहे हैं, मैम आप कंटिन्यू करें। हाँ तो मैं यहाँ पे थी, ये रिवार्ड इमीडिएटली, ये सब प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग, है ना। तो फिर आ जाएगा डिजायरेबल टारगेट। अब यहाँ पे थे फोर्थ पॉइंट पे, डिजायरेबल टारगेट बिहेवियर जो हमारा है उसके लिए ही रिवार्ड मुझे देना है, एवरी टाइम जो हमारा है आफ्टर उसके बाद में देना है प्रॉब्लम बिहेवियर। अगर जैसे बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है तो मुझे नहीं करना है, और जो हमारा स्किल बिहेवियर है उसके लिए करना है। रिवार्ड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, हम जब भी रिवार्ड दें तो उसका अमाउंट फिक्स किए करें कि जो हम रिवार्ड दे रहे हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में दें। अगर मुझे वन टॉफी देनी है तो वन टॉफी देना है, अगर एक्टिविटी के बाद में उसको टू टॉफी में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि बच्चे में एक्सेस, अगर वो टॉफी खाएगा बच्चा तो उसके लिए हार्मफुल सेल्फ के लिए भी है। और ये हमको क्या करना होता है, जब भी कोई रिवार्ड देते हैं तो रिवार्ड देते थे जैसे ही बच्चा स्किल बिहेवियर को सीख रहा है तो हम क्या करते हैं अपने रिवार्ड को रिड्यूस करते जाते हैं। तो मुझे एक टॉफी की जगह दो टॉफी नहीं करना है, मुझे टॉफी को और कम करना है धीमे धीमे करते हुए, खाली हम सोशल रिइंफोर्समेंट में रखना है हमको, रिवार्ड को मटेरियल रिइंफोर्समेंट या इन सब से हटाते हुए खाली सोशल पे लेके आना है। तो हम जो अप्रोप्रिएट अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही मुझे रिवार्ड देना है। दूसरा बात ये नहीं कि जब तक हम दे रहे हैं तो ये बच्चे में के लिए प्रॉब्लम बिहेवियर में भी कन्वर्ट होएगा। फिर है कंबाइन द यूज ऑफ सोशल रिवार्ड्स अलोंग विद अदर टाइप्स ऑफ रिवार्ड। जब कभी भी सोशल रिवार्ड के साथ में हम जो भी हम अपना रिवार्ड चॉइस किए हैं तो उसके साथ में हम रिवार्ड को देंगे, सोशल रिवार्ड को जरूर कंपल्सरी देंगे, मिक्स करके हम कंबाइन करके हम देंगे रिवार्ड को। फिर चेंज द रिवार्ड, रिवार्ड को हम चेंज भी करेंगे। हो सकता है कि बच्चा हम एक्टिविटी सिखाते सिखाते डेली टॉफी दे रहे हैं, डेली बिस्किट दे रहे हैं, डेली बच्चे को एक ही तरीके का रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि उसको क्या एक्टिविटी करने से फिर मना करने लगता है। तो हम रिइंफोर्समेंट की जो लिस्ट बनाते हैं उसमें भी हम अपना चेंजेस करते चले जाएंगे कि बच्चे की पहले प्रायोरिटी पे जो एक्टिविटी थी रिवार्ड था उसको हम पहले रखेंगे। फिर में जब अगर वो रिवार्ड कम हो रहा है तो हम सेकेंड रिवार्ड में आ जाएंगे, तो उसके में चेंजेस होता रहे कि चेंज बाय चेंज रिवार्ड देंगे। फिर फेडिंग ऑफ रिवार्ड, कि जैसा कि मैंने बताया था कि हम रिवार्ड को फेड करते जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे बच्चा स्किल बिहेवियर को सीख रहा है प्रॉब्लम बिहेवियर कम होता जा रहा है, हम उसके फेडिंग ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड को हम कम करते जाएंगे कि जिससे बच्चा डिपेंड ना रह जाए रिवार्ड के लिए और आगे उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए और प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस हो जाए। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, अब ये पॉइंट आ जाता है कि कैसे कैसे हम रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का हम प्रयोग करेंगे प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको हम रिकॉर्डिंग टेक्निक्स बोलते हैं
जो प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इसके लिए पेरेंट्स भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिसको हम बेसलाइन रिकॉर्डिंग बोलते हैं, कि अगर हम अपने घर में बच्चा मेरे साथ में पर डे अगर 12 बजे से 1 बजे के समय को मैंने डिसाइड कर लिया, पर डे 12 बजे से 1 बजे के समय में बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है कि जैसे कि बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, तो जैसे ही कोई हम स्किल सिखाने के लिए प्रयास करते हैं तो बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, ये अभिभावक के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, कि अगर ये प्रॉब्लम बिहेवियर है तो इसकी बेसलाइन रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। 12 बजे से 1 बजे के समय को डिसाइड कर लिया है, अगर वो बच्चा को हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं और बच्चा तुरंत उस जगह से भाग जाता है, वो बच्चा बैठना नहीं पसंद कर रहा है, तो बेसलाइन रिकॉर्डिंग करने के लिए हम उसकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक समय निर्धारित कर लेंगे, जैसे 5 से 6 दिन का समय, पर डे 12 बजे से 1 बजे के समय को हम डिसाइड करेंगे। 12 बजे से 1 बजे के समय में जो टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम बिहेवियर है, इस रिकॉर्डिंग को हम अपने पास में असेसमेंट के लिए रखेंगे और इवैल्यूएशन के लिए भी, मूल्यांकन के लिए भी रखेंगे। अब स्लाइड शो हो रही है आप लोग को सबको? बेसलाइन रिकॉर्डिंग इसलिए रखते हैं कि उस समय जब बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा था उस समय रिकॉर्डिंग में कितने बार करता था, कितनी देरी तक कोई प्रॉब्लम बिहेवियर आती थी, और वो प्रॉब्लम बिहेवियर जब आती थी तो हो सकता है कि वो एक समय पे आती हो, तो उसके लिए हम बेसलाइन रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन के समय भी एक बार करेंगे। तो बेसलाइन रिकॉर्डिंग में भी क्या हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, ये भी 4 तरीके की बेसलाइन रिकॉर्डिंग होगी। जो मैंने 12 बजे से 1 बजे तक का समय डिसाइड किया है उसमें पहला जो टेक्निक्स है इसकी रिकॉर्डिंग की, इवेंट रिकॉर्डिंग। इवेंट रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं, कि अगर 12 बजे से 1 बजे के समय पे जैसे ही बच्चे को हमने पढ़ाने के लिए बैठाया, फिर उस समय क्या हुआ कि बच्चा तुरंत भाग गया और फिर पकड़ के मैंने लाया, फिर बैठा, फिर भागा, तो कितने बार 12 बजे से 1 बजे तक के समय पे वो बच्चे ने एक्टिविटी प्रॉब्लम बिहेवियर किया, इसको हम फ्रिक्वेंसी के रूप में पाई जैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बार किया, 5 to 6 बार, आज किया 5 बार, कल किया 6 बार, तीसरे दिन किया 5 बार, फिर 6 बार, इस तरीके के जितने बार 5 to 6 बार 7 बार कर रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 12 से 1 बजे के समय पे, 1 घंटे के समय पे पर डे उसी टाइम पे आप करिएगा, और उसी टाइम पे कितने बार बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर किया, कितने बार उठ के गया अपनी सीट से, ये टीचर्स भी कर सकती हैं और पेरेंट्स भी कर सकते हैं अपने घर में इसको। ये 1 हफ्ते का शेड्यूल है, 1 हफ्ते का शेड्यूल ये पूरा बनाएंगे, शेड्यूल इस तरीके से बना के रखेंगे। फिर दूसरी टेक्निक होगी ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग। ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग का मीन्स क्या है कि कोई प्रॉब्लम बिहेवियर अगर बच्चे में आती है तो वो कितनी देर तक रहती है, कि अगर जैसे बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर है कि बच्चा अपने पैर को हिलाता है, बार बार हिलाता है और हिलाते रहता है, तो अगर जैसे अगर क्लास में बच्चा बैठा है अपनी सीट में अपना पैर हिला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि वो अपनी उंगली फिंगर को अपने फेस के सामने हिला रहा है, तो हिला रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी 15 मिनट 12 मिनट, तो ये कोई एक्टिविटी, इसके लिए भी क्या करना है मुझे, 5 दिन की रिकॉर्डिंग का हम शेड्यूल बनाएंगे। जैसे आज है 4 तारीख से 10 तारीख के बीच का शेड्यूल बना लेंगे पूरा कंटिन्यूअसली, 12 बजे से 1 बजे तक का समय डिसाइड कर लेंगे, बच्चे को बैठा लेंगे, अगर बच्चा 12 बजे से 1 बजे के समय पे एक एक्टिविटी को कितने अगर आई है वो कितनी देर तक कर रहा है, जैसे अगर 10 मिनट के लिए कर रहा है, 12 मिनट के लिए कर रहा है, पैर को हिला रहा है कितनी देर तक हिला रहा है, फिंगर क्लिपिंग कितनी देर तक कर रहा है, उसको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितने मिनट कर रहा है, तो इसका औसत हम निकालते हैं, तो ये हो जाए, तो ये ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग। फिर तीसरी हो जाती है इंटरवल रिकॉर्डिंग। इंटरवल रिकॉर्डिंग का मीन्स क्या होता है कि अगर समस्या व्यवहार ज्यादा आता है, मतलब एक्सेस हर 5-10 मिनट के अंतर्गत आ रहा है, हर 5-10 मिनट के अंतर्गत बच्चा अपने कोई अखाद्य चीजों को अपने मुंह में रख रहा है, जैसे कोई एक्टिविटी पैक बोर्ड एक्टिविटी करा रहे हैं, तुरंत बच्चा अपने मुंह में पैक को रख रहा है बोर्ड को, या पेंसिल को अपने मुंह के अंदर चबा रहा है, तुरंत ये एक्टिविटी कर रहा है, कितने बार कर रहा है, 5
पांच मिनट दस मिनट के अंतर में कर रहा है, अगर टॉयलेट के लिए वो बार बार बात कर रहा है तो हर दो मिनट के अंतर्गत टॉयलेट जाना है उसको पांच मिनट के, तो ये इंटरवल जब एक्सेस प्रॉब्लम बिहेवियर होती है तो उसको दो पांच मिनट के अंतराल पे हम समय डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 12:05 से 12:10 का समय, फिर अभी भी स्लाइड शो नहीं हो रही है क्या? शो हो रहे मैम, आप कंटिन्यू करें। हाँ, इंटरवल रिकॉर्डिंग का मीन्स है कि जब प्रॉब्लम बिहेवियर एक्सेस होती है हर 10 मिनट के अंतर्गत प्रॉब्लम बिहेवियर आ रही है तो उसके लिए हम इंटरवल रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे 12:10 के समय को मैंने रख लिया, फिर 12:10 से 12:20 के समय को रख लिया, 12:20 से 12:30, 12:30 से 12:40, इस तरीके से एक घंटे के समय को हम इंटरवल रिकॉर्डिंग के रूप में 4 तारीख से 10 तारीख के समय को, जैसे हम बता दिए हैं कि एक हफ्ते का समय को हम एक टाइम के एक घंटे के समय को इंटरवल के रूप में टाइम को हम सेट कर लेंगे इंटरवल के रूप में, तब हम देखेंगे कि बच्चे ने कितने बार प्रॉब्लम बिहेवियर किया। जब एक्सेस प्रॉब्लम बिहेवियर होती है तब हम इंटरवल रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। फिर हो जाता है चौथा टाइम सैंपलिंग। टाइम सैंपलिंग का मीन्स है कि जब कोई समस्यात्मक व्यवहार जो बिल्कुल एक निश्चित समय पे आता है तो हम उसको बोलेंगे टाइम सैंपलिंग बिहेवियर, टाइम बाउंड, जिसको बिल्कुल टाइम पे ही रहेगा। कि जैसे ही हमने बच्चे को पढ़ाना चालू किया कि 12:00 हम बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, 12:00 का टर्न होता है मैथ का टाइम, तुरंत बच्चा पेट में दर्द का शिकायत करेगा, सर में दर्द की शिकायत करेगा और बच्चे को टॉयलेट आइए, इस तरीके की हो सकता है कि एक दिन बच्चे के में हो रहा है, दो दिन हो रहा है, तीन दिन हो रहा है, लेकिन उसके में ये प्रॉब्लम बिहेवियर लगातार जैसे ही हम पढ़ाने बैठते हैं तब उसके में बच्चे में ये प्रॉब्लम बिहेवियर इश्यूज होती है, तुरंत वो बच्चा ये घटना ये रिकॉर्डिंग करता है कि तुरंत ट्रेस करता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है बिल्कुल 12:00 के समय पे क्योंकि उसको पढ़ना है उसके लिए। तो इसको हमको जो एग्जैक्ट समय पे 12:00 के समय पे ही वो प्रॉब्लम बिहेवियर होगी तो वहां पे हम टाइम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। ये टेक्निक्स थी रिकॉर्डिंग की जो हम बेस लाइन रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चे का 4 तारीख से, जैसे एक हफ्ते का रेशियो बनाते हैं, एक हफ्ते के रेशियो को एक ही एग्जैक्ट टाइम पे करेंगे पर डे, पर डे 12:00 से 1 के समय पे हम डिसाइड कर लेंगे, उसी समय पे बच्चे को ट्रेस करेंगे। आपका हो सकता है समय 3:00 से 4:00 तक का होगा, जो आप अपने समय पे जो रिकॉर्ड करेंगे उसकी टाइमिंग पर डे एक ही होनी चाहिए, एक ही समय की रिकॉर्डिंग आप ट्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर का मीन्स होता है क्रियात्मक एनालिसिस, विश्लेषण समस्यात्मक व्यवहार का, समस्यात्मक व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण क्या होता है। क्रियात्मक विश्लेषण का मीन्स होता है कि जब बच्चे में समस्यात्मक व्यवहार आई है वो समस्यात्मक व्यवहार का हम फैक्टर्स को जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उसके पहले के समस्यात्मक व्यवहार जब आई और समस्यात्मक व्यवहार के बाद में, ये तीनों फैक्टर्स जो ये तीनों हैं कॉलम ABC मॉडल इसको बोलते हैं, इसको हम इंडिविजुअल रूप में प्रॉब्लम बिहेवियर को एसेस करते हैं, उसके लिए फंक्शनल एनालिसिस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, आगे आता है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। ये बच्चे के लिए करना, जब हम रिकॉर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम बिहेवियर आ गई, अब हमारे पास रिकॉर्ड आ गया कि बच्चे में ये प्रॉब्लम बिहेवियर है, इतने बार प्रॉब्लम बिहेवियर आता है, इस समय पे आता है, और अब हम उसका क्रियात्मक विश्लेषण क्या करेंगे। तो फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे, एंटीसीडेंट, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं बच्चे में, हो सकता है कि फिजिकल इलनेस बच्चे में रहती हो, डिसेबिलिटी हो बच्चे में कोई जिसके कारण से बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर एक्सेस हो रही हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन हो बच्चे में कि कुपोषण का शिकार है उस कारण से भी प्रॉब्लम बिहेवियर ट्रेस होती है ज्यादा, ब्रेन डैमेज है, अगर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो है तब भी प्रॉब्लम बिहेवियर होगी। फिर हो जाएगा हेरिडिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी होगी, कि जैसे हेरिडिटी अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम बिहेवियर, कोई गुस्सा वाला परिवार में ही कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके घर में भी गुस्सा प्रवृत्ति के लोग हैं,
तो बच्चे में भी क्या होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम बिहेवियर वो अपने आप ये कहा जाता है कि जीन्स में आ गया, हेरिडिटी है, उनके घर का ये है कि चिड़चिड़ापन है तो बच्चों में भी है, जैसे माँ बाप है वैसा बच्चा है, तो ये हेरिडिटी भी कहते हैं। ऐसा भी कोई हेरिडिटी फैक्टर्स भी होता है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होता है, वातावरण, वातावरण बच्चे का कैसा है, वातावरण फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ज्यादा डिटेल पे बात करेंगे अभी आगे। फिर सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फैमिली है तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उनके थ्रू कैसा किस कारण से प्रॉब्लम बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे बच्चे की आईक्यू कम है तो प्रॉब्लम बिहेवियर होती है, क्योंकि बच्चे के वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम बिहेवियर होना लाजमी होता है कि वो उन्हें प्रॉब्लम बिहेवियर हो जाती है क्योंकि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। हाँ अभी मैं करूंगी, अभी आपको बता रही हूँ कि ये फैक्टर्स हो रहे हैं, अभी आगे आएंगे हम। तो संज्ञानात्मक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन का मीन्स होता है संज्ञान। संज्ञान का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी चीज मेरे सामने है उसका हम सबसे पहले परसेप्शन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको देखते हैं कि इसको क्या चीज कहा जाता है। फिर उसका जो प्रोसेस होता है मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे कहाँ जाती है, दिमाग में जाती है, मेरे मेमोरी में जाती है। मेमोरी के बाद में क्या होता है कि हम थिंकिंग करते हैं। फिर जब हमसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज है या कौन सी थिंग्स है, उसको हम अपने मेमोरी में ट्रेस कर लेते हैं, वो होता है संज्ञान। फिर हम उस जगह पे उस थिंग्स को बोल लेते हैं, जैसे अगर हम सेब का एप्पल का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एप्पल ऐसा है, पहले हम उसको परसेप्शन के रूप में बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे को स्मेल कराते हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू, सेंस नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग तक जाता है, मेमोरी में स्टोर होता है। फिर जब मुझसे पूछा जाता है तो हम इनपुट उसका देते हैं कि हाँ ये सेब है, तो ये क्या हो जाता है संज्ञान। तो संज्ञानात्मक फैक्टर्स बौद्धिक अक्षम बच्चों में प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बिहेवियर का इश्यूज होता है इसमें भी। फिर आ जाता है कि हमारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स जब बच्चों में रहते हैं तो ऐसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और भी ऐसे कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं जिसके कारण से प्रॉब्लम बिहेवियर एक्सेस होता है जिसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है अटेंशन सीकिंग फैक्टर्स। अटेंशन सीकिंग फैक्टर्स का मीन्स क्या है कि बच्चे का अटेंशन कि अटेंशन के लिए वो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, बार बार अटेंशन के लिए, क्योंकि बच्चे को एक बच्चा क्लास में बैठा है दूसरे बच्चे को चिढ़ा रहा है, बार बार दूसरे बच्चे का अटेंशन लेने के लिए। ये देखिए स्लाइड में जैसा दिख रहा है ना, दूसरे बच्चे को चिढ़ा रहा है। तो ये तरीके की एक्टिविटी क्या होता है अटेंशन सीकिंग के लिए। कि कभी कभी क्लास में भी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अगर हमारे यहाँ बच्चे क्लास लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक्सेस पूछते हैं, एक्सेस उनका प्रत्युत्तर क्वेश्चन उस तरीके का नहीं होगा लेकिन वो एक्सेस उस क्लास में बार बार पूछते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, या उनके बिहेवियर में रहता है कि बार बार क्लास को वो करना, थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए या अपना अटेंशन लेने के लिए। ऐसे फैक्टर्स नॉर्मल लोग में भी होता है। तो ये बच्चे का जैसे चिढ़ाना, ये एक्टिविटीज बहुत सारे बच्चे करते हैं, नॉर्मल और स्पेशल दोनों तरीके के बच्चे ये करते हैं। फिर हो जाएगा दूसरा सेल्फ स्टिमुलेशन फैक्टर। इसका क्या होता है, स्वयं मतलब सेल्फ स्टिमुलेशन मिलना। ये सेल्फ स्टिमुलेशन किसी भी चीज से बच्चे को मिल सकता है, कि जैसे ये यहाँ पे बच्चा बैठा है कि अपना पैर हिला रहा है, उसको स्वयं को अच्छा लग रहा है, टीचर उसको देख भी नहीं रही है और उसको वो बच्चे को अपना मजा आ रहा है कि वो अपना पैर हिला रहा है। और नॉर्मल लोग भी ऐसा करते हैं कि बैठे रहते हैं और अपना पैर हिलाते रहते हैं। अगर मैंने उसी समय इस अगर किसी को भी अगर ये एक्टिविटी कर रहा है, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, कोई भी बच्चा है या बड़ा है, उसको हमने कई बार उसको इनपुट दिया है तो ये एक्टिविटी प्रॉब्लम बिहेवियर खत्म हो सकती है। लेकिन अगर मैंने उसको वहां पे ट्रेस नहीं किया है, बच्चे को इग्नोर कर दिया है, तो फिर क्या होगा, ये सेल्फ स्टिमुलेशन बढ़ता जाएगा। जैसे बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा है जब खाली समय में बैठा है, वो अपना अंगूठा चूस रहा है, तो ये एक्टिविटी है कि वो एक्सेस प्रॉब्लम बिहेवियर में हो रही है। और ये अंगूठा चूसना क्या स्किल बिहेवियर है, स्किल बिहेवियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगूठा चूसना ये एक्टिविटी ऑड लगती है, दूसरे के सामने बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, वो भी दूसरे के सामने कहीं भी बैठा है अंगूठा चूस रहा है, कहीं भी बच्चा बैठा है पैर हिला रहा है, तो
ये इस तरीके की फिंगर फ्लिपिंग ये सब, ये है कि सेल्फ स्टिमुलेशन मिलता है बच्चे को, तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर है फैक्टर्स हैं। फिर है स्किल डिफिसिट फैक्टर्स, बच्चे में कौशल व्यवहार की कमी होना, अगर बच्चा स्पीच, बच्चे में स्पीच नहीं है और हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम भी है और अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अगर सभी बच्चे खेल रहे हैं और बच्चा अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, कई भाई बहन है वहां पे खेल रहे हैं और बच्चा अपनी बात को वहीं पे जाके बच्चे ने इंटरफेयर कर दिया गेम में और बॉल छीन रहा है और दूसरे लोग उसको बॉल नहीं दे रहे, तो क्या वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इस कारण से प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है अगर, तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है। अगर वो एक्सेस बार बार जाके ये बच्चे में या बच्चा इंटरफेयर करता है गेम में और खुद भी नहीं खेलता है, दूसरे के रूल्स और नियम में भी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम बिहेवियर। अगर उसके कौशल व्यवहार में कमी है तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम बिहेवियर के रूप में। तो इसके एक हो जाएगा ये बचाव, बचाओ। अगर कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बचने के लिए कोई भी एक्टिविटी, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि जैसे ही बच्चे को हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तुरंत उसके सर में दर्द हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ, तो क्या होगा, बच्चा एक्टिविटी से बचने के लिए ये एक्टिविटी कर रहा है, ये प्रॉब्लम बिहेवियर है और वो उसने अपना ये मोटो बना लिया है कि पर डे हमको ये काम करेंगे तो इससे हम बच जाएंगे, मम्मी मेरी छोड़ देंगे ये काम कराने के लिए और हम मेरी ना टीचर्स कराएंगी मुझे, मुझे टीचर मुझे घर पे नहीं आएंगे ट्यूशन पढ़ाने, या कोविड 19 के समय में जो भी घर में उनकी मम्मी भी समय निकाल के किसी बच्चे से कराने के लिए समय भी निकाली है, तो उससे भी बच्चा बचता जाएगा कि धीमे धीमे करते हुए कि उसके ये प्रॉब्लम बिहेवियर में पर डे अगर ये आ जाएगा और मम्मी या अभिभावक ने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर एक्सेस हो जाएगा और फिर वो हर एक्टिविटी के लिए इस तरीके की ये प्रॉब्लम बिहेवियर को इशू बनाएगा। फिर है टेंजिबल फैक्टर्स, क्या होगा कि दूसरे को मारना पीटना इस तरीके के फैक्टर्स भी हो जाएंगे, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम बिहेवियर होगा, ये भी एक फैक्टर्स है। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं कि कौन कौन से एक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके लिए हम जो मॉडल यूज करेंगे एंटीसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ये केबीसी मॉडल होता है, गार्डनर ने ये बताया था कि जब कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर आता है तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होता है, उससे पहले बहुत से कारक होते हैं, उस समय जब बिहेवियर आया और बाद के बहुत सारे ऐसे परिणाम होते हैं और जिसके कारण से ये प्रॉब्लम बिहेवियर इश्यूज होता है। जैसे कि अगर हमने एक बच्चे को अपने घर के खिड़की की तरफ बैठा दिया है तो वो बच्चे को क्या कर दिया, मैंने काम तो दिया है लेकिन क्या हुआ, अकेले बैठी हुई है और मम्मी किचन में काम कर रही है, और मम्मी किचन में काम कर रही है, बच्चे को खिड़की की तरफ बैठा दिया, काम भी दिया हुआ है पढ़ने से रिलेटेड या जो भी काम है वो दे दिया, तो क्या हो रहा है कि एक तो वो खाली बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है बच्ची क्या काम कर रही है, फिर आरती, जैसे आरती कोई काम नहीं कर रही, अकेले बैठी हुई है, मम्मी किचन में है, भाई लोग अपने काम में लगे हुए, कोई बात नहीं। दूसरा ड्यूरिंग क्या हो गया, बिहेवियर आरती रॉक्स हर बॉडी बैक एंड फोर्थ, मतलब क्या कर रही है, आरती अपने शरीर को बार बार आगे पीछे हिला रही है, अपने वहीं बैठी कुर्सी में आगे पीछे को कर रही है, तो ये हो जाएगी ड्यूरिंग बिहेवियर, वो एक्टिविटी, ये इसकी प्रॉब्लम बिहेवियर है कि वो अपने शरीर को बार बार आगे पीछे हिला रही है। फिर आफ्टर कॉन्सिक्वेंस का मीन्स क्या है कि नो वन ब्रदर्स हर एंड आरती कंटिन्यू टू रॉक, मतलब कोई भी भाई बहन और आरती को टोकने के लिए वहां पे नहीं आ रहा है, कोई भी लोग उसको इंगेज नहीं किए हुए, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इस कारण से आरती प्रॉब्लम बिहेवियर कर रही है। फिर फंक्शन क्या हो रहा है कि उसको क्या मिल रहा है इसमें, सेल्फ स्टिमुलेशन, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं, उसको सेल्फ स्टिमुलेशन इसमें मिल रहा है क्योंकि वो अपने में उसको उद्दीपक मिल रहा है, वो अपने में पैर हिला रही है। फिर दूसरा क्या है कि एक बच्चा अगर क्लास में बैठा है, कीर्ति कीप्स आस्किंग हाउ टू सी व्हेन गो होम, कीर्ति बार बार पूछती है क्लास में कि हम घर जाएं, क्लास में है एंटीसिडेंट, वो क्लास में है, क्लास में जाने पर क्या कहती है, बार बार क्लास से भागने के चक्कर में पूछती है, हम क्लास से, ये क्लास में पूछ रही बार बार जाए टीचर से, द टीचर कीप्स टेलिंग दैट हर मदर विल कम एंड टेक हर, टीचर बोल देती है कि आपकी मदर आएंगी और वो लेके जाएंगी, सोशल अटेंशन, वो उसका क्या है, सोशल अटेंशन देना, इसके लिए बार बार पूछ रही है। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे ऐसी स्किल्स है
जिसमें हमको आपको सभी पेरेंट्स को ये करना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर आती है तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर को हम हर जगह हर दिन का रिकॉर्ड बनाएंगे और उससे पहले के ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण बच्चा ये प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, बच्चा कहाँ प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चार पॉइंट पे ये नियम आधारित होता है कि क्या क्या कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ कब कर रहा है, कौन से एनवायरमेंट में कर रहा है, किस सिचुएशन में है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है और कब कर रहा है, किसके साथ में है, ये भी है इम्पोर्टेंट, किसके साथ में भी है। कभी कभी किसी के साथ में बच्चा क्लास में बैठा है और क्लास में बच्चे दूसरे बच्चे को मार रहा है तो क्या होता है, दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है तो क्या ये भी तो प्रॉब्लम बिहेवियर में है कि दूसरा बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे बहुत से कारक हैं कि हमको इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये पॉइंट पे हमको अपना ये एनालिसिस करना है। फिर आ जाता है सातवां पॉइंट, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम फिर इम्प्लीमेंट करना है मुझे तो कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। जब फैक्टर्स की जानकारी हो गई फिर हम प्रोग्राम को वेरियस टेक्निक्स के थ्रू हम उसको मैनेज करने के लिए स्टार्ट कर देंगे कि कैसे हम मैनेज करेंगे ये पैकेज प्रोग्राम को, कैसे टीचर कैसे चलाएगा, अभिभावक कैसे चलाएंगे इस पैकेज प्रोग्राम को, उसके लिए आगे है। फिर सबसे पहले हम पनिशमेंट टेक्निक का प्रयोग करेंगे। पनिशमेंट टेक्निक, एक इसमें पनिशमेंट टेक्निक्स होती है और एक नॉन पनिशमेंट टेक्निक्स होती है। पनिशमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है कि जिसको हम बच्चे के लिए यूज करते हैं कि जैसे अगर बच्चा क्लास में बैठा है, दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है, उसका बैग छीन रहा है बगल वाले बच्चे को, तो क्या बगल वाला बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा था, पढ़ रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया। या घर में भी अगर उसका भाई लिख रहा है, पढ़ रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा या दूसरा बच्चा उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चे को, या ये कोई जरूरी नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा ही ये काम कर रहा है, हो सकता है नॉर्मल बच्चा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को ये कर रहा हो। क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास होती है तो हो सकता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को दूसरे सामान्य बच्चे भी इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं कि उस बच्चे को परेशान करें, तो हम क्या करेंगे बच्चे की सिटिंग पोजीशन चेंज कर देंगे। बच्चे की सिटिंग पोजीशन, जो बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, उस बच्चे को क्लास में टीचर क्या करेगी, अपने पास में जाके बैठा लेगी, या मदर है अपने बच्चे जो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चा करता है उस बच्चे को अपने पास में बैठा लेगी और वहां से आप एक्टिविटी को कराएगी। तो चेंजिंग द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को चेंज कर देंगे, एंटीसीडेंट को चेंज कर देंगे जिससे प्रॉब्लम बिहेवियर वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी और बच्चा बगल में बैठेगा तो उसकी एक्टिविटी एक डर रहेगा टीचर का रहेगा या अभिभावक का जिसका भी, तो जिससे क्या होगा वो बिहेवियर को करने के लिए सोचेगा और थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। तो चेंजिंग द एंटीसीडेंट, हम पहले तो एंटीसीडेंट उसका चेंज करेंगे। फिर एक्सटेंशन एंड इग्नोरिंग, जब बच्चा क्या करेगा कि हम बार बार बच्चा क्लास में पूछता है कि हम क्लास से बाहर जाएं, हमें बार बार टॉयलेट आ रही है, बच्चा बार बार टीचर से पूछ रहा है मैम हम टॉयलेट के लिए जाएं बार बार, तो हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेगी, एक दिन भेजेगी, दो दिन भेजेगी, फिर क्या करेगी टीचर को जब ये लगेगा कि बार बार बच्चा पूछ रहा है, बार बार इस तरीके की हरकतें कर रहा है, बार बार हमारे पढ़ाने पे उसका सर दर्द हो रहा है या बदन दर्द हो रहा है इस तरीके की एक्टिविटी, तो इग्नोर करना है, ये नहीं कि आप उसको प्रॉब्लम, ये तो बिहेवियर है उसको आप कंटिन्यू, अगर वो बिहेवियर परमानेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम बिहेवियर में रहेगा, तो इसको हमको इग्नोर करना है, पेरेंट्स को भी इग्नोर करना है कि पर डे अगर बच्चा ये आपके लिए शर्त रख रहा है कि तुरंत आपके लिए खुद शर्त रख रहा है कि हमको ये पढ़ना नहीं है और इग्नोर करना है बचाव करने के लिए, तो वो एक्टिविटी कभी नहीं सीख पाएगा और उसका ये इंक्रीज होता जाएगा प्रॉब्लम बिहेवियर। फिर तीसरा है टाइम आउट। टाइम आउट है कि हम समय से बाहर करना, कि जब भी हम कोई एक्टिविटी सिखा रहे हैं, क्लास में टीचर का काम क्या होता है, क्लास में टीचर के पास 8 से 10 बच्चे हैं, कभी कभी क्लास में 12-15 रहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में 20-30 बच्चे होते हैं, क्लास में 40 बच्चे तक होते हैं, तो उस समय क्या करना है कि अगर बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है तो प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए अगर बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे को उस जगह से बुलाएंगे और बच्चे को अपने सामने टीचर क्लास में
दीवार के सहारे से खड़ी कर देगी दीवार के पास, और ग्रुप से बच्चों की जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी। घर में भी अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है, अगर घर में दो चार बच्चे हैं, अगर दूसरा बच्चा है उसके साथ अगर माँ लूडो खेल रही है या अदर एक्टिविटी कर रही है, तो माँ उसको पढ़ाएगी या उसको गेम का काम कराएगी, और बच्चे को क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी से बाहर कर देगी, थोड़ी देर के लिए। बच्चा एक्टिविटी को देखेगा लेकिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको पनिशमेंट दिया गया है, समस्यात्मक व्यवहार, वो समस्या कर रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा, तो ये डिस्टर्बेंस के लिए थोड़े समय के लिए मुझे ये टाइम आउट करना है। कि वो एक्टिविटी तो देख रहा है कि सब लोग एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी हो रही है, लेकिन मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। तो ये चौथा अब आ जाएगा फिजिकल रेस्ट्रेंट। अगर वो बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर फिंगर क्लिपिंग कर रहा है तो हम उसके हाथ में कुछ रिस्क टाइप का कुछ बैंडेज बांध देंगे कि जिससे वो अपने हाथ को ऊपर हाथ तक नहीं लेके जाएगा, या उसके हाथ को हम सॉफ्ट उससे कपड़े से बांध देंगे थोड़ी देर के लिए। कि फिजिकल रेस्ट्रेंट जब आपके वर्बल रिप्राइवमेंट से भी नहीं हो रहा है, अदर ये लास्ट का आपका टेक्निक्स है कि जब हमारी अदर सभी टेक्निक्स जब फेल होने लगेगी और बच्चा वर्बल रूप से भी नहीं मान रहा है, टाइम आउट से भी नहीं मान रहा है, अदर किसी भी तरीके का भी हम उसके ऊपर पनिशमेंट टेक्निक इन्वॉल्व कर रहे हैं, तब नहीं हो रहा है, तो हम इसको लास्ट में फिजिकल रेस्ट्रेंट उसके हाथ को बांध देंगे। कि जैसे कि वो हाथ को बार बार अपने मुंह के पास लेके जा रहा है, या नाक के पास बार बार लेके जाता है, नोजी को के पास लेके जा रहा है, तो इस तरीके के लिए हम फिजिकल रेस्ट्रेंट का थोड़ी देर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सॉफ्ट रुमाल से हाथ को थोड़ी देर के लिए बांध सकते हैं। तो ये पनिशमेंट टेक्निक लास्ट में यूज होगी। फिर पांचवा है कि रिस्पॉन्स कॉस्ट। जो मैंने टोकन बच्चे को दिया था अच्छे काम के लिए, मैंने स्टार दिया था या मैंने उसको लीडर बनाया था क्लास में, या जो भी एक्टिविटी उसके लिए अच्छा हमने रिस्पॉन्स दिया था एक्टिविटी के लिए, जो भी रिवार्ड दिया था उसको वापस ले लेना। रिस्पॉन्स कॉस्ट उसका जो मूल्य, उसको पता चले कि ये इस क्लास के लिए मैंने आज स्टार जो लगाया था उसकी फोटो के आगे था बच्चे के, जो हमने क्लास में दिया था बच्चे के फोटो के आगे रिस्पॉन्स कॉस्ट लगा था ये स्टार, उसको जब उसने गलत एक्टिविटी किया है, समस्यात्मक व्यवहार किया है, तो हम उस रिस्पॉन्स को हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्स कॉस्ट हो गया। फिर छठा पॉइंट है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन का मीन्स है कि हम अति सुधार, कि जब बच्चा घर में, अगर बच्चा इस समय ज्यादातर बच्चे घर पे हैं COVID-19 को वैश्विक महामारी के चलते, कि ज्यादातर बच्चे घर में हैं तो हाइपर एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं कि घर में ही गंदगी फैला रहे हैं, कहीं कागज फाड़ रहे हैं, कहीं बुक्स अपनी फाड़ देते हैं अगर पढ़ाने बैठ गए, तो ये सब एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं कि अगर बच्चे को हम डोमेस्टिक स्किल में भी कन्वर्ट करें, कि एक तो डोमेस्टिक स्किल भी सीखेगा बच्चा, दूसरी बात है कि उसके पनिशमेंट टेक्निक भी इन्वॉल्व हो रही है, समस्यात्मक व्यवहार का प्रबंधन भी हो रहा है, हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी हो रही है, वो टेक्निक्स भी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे ओवर करेक्शन, ओवर करेक्शन का मिस है कि अगर बच्चे ने कमरे के अंदर गंदगी ज्यादा किया, कूड़ा इधर उधर डाला, कागज फाड़ दिया, बुक्स फाड़ दिया, फिर हमने जहां पे बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे थे उस एरिया में तो हम सफाई कराएंगे, जिस जगह पे बच्चा बैठा था उस पॉइंट पे, बाकी पूरे कमरे में सफाई कराएंगे उस बच्चे से, तो क्या होगा? अति सुधार का मीन्स है कि जिस जगह पे उसने ये एक्टिविटी किया है उसको ज्यादा रूप में उसको अति सुधार करना है, ज्यादा उसको काम दे देना। तो अगर ये काम से क्या होगा, एक तो हम उसके इंक्रीज कर रहे हैं, इससे उसको क्या आ रहा है, स्किल बिहेवियर भी उसका हो रहा है कि डोमेस्टिक स्किल भी सीख रहा है, वो उसको साफ करेगा उस जगह पे, उसका प्रॉब्लम बिहेवियर भी रिड्यूस हो रहा है, और साथ में ओवर करेक्शन टेक्निक भी हम यूज कर रहे हैं इसका प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए, कि कल वो एक्टिविटी ये नहीं करेगा क्योंकि उसको कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा झाड़ू लगाना पड़ेगा, ज्यादा पोछा लगाना पड़ेगा, उसको सब करना पड़ेगा। तो ये है ओवर करेक्शन। फिर कन्वीनियंट डिस्प्लेजर, हम उसको नाराजगी प्रकट करेंगे, नाराजगी प्रकट करेंगे कि हम मुंह से बोलेंगे कि आपने ये काम सही से ढंग से नहीं किया, इसलिए हम आपसे खुश नहीं है, आपने ये काम सही से नहीं किया, आपने ये ग्लास को सही ढंग से नहीं रखा, या जो भी एक्टिविटी स्किल बिहेवियर हमारा टारगेट है स्किल बिहेवियर सिखाने का,
जब भी हम प्रॉब्लम बिहेवियर को सिखा रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं तो हम स्किल बिहेवियर के साथ में करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर हम रिड्यूस करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हम स्किल बिहेवियर भी साथ में मेरा चलता है, आईपी का गोल भी साथ में चलता है। हम आईपी हम इंक्रीज कर जाते हैं, इसके स्किल बिहेवियर को इंक्रीज करते जाते हैं और उधर हम क्या काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए उसको भी हम टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो उसको हम डिक्रीज करते जाते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कन्वीनियंट रूप में डिस्प्लेजर की नाराजगी प्रकट करना, हम आपसे खुश नहीं, आपने ये सही ढंग से नहीं किया ड्यूटी, ये आप ये अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, आपको ये चीज सही समय पे नहीं मिलेगी, जो भी है हम नाराज रूप से जैसा भी हम बोल सकते हैं। और फेस एक्सप्रेशन से भी पता चले, क्या पता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो फिर आपका कैसे ये आपका सुनेगा बात, तो आपका फेस रीडिंग ऐसा ना हो कि आप जब आपको ये बोलना हो बच्चे से कन्विनेंस रूप में कि हम आपकी ये एक्टिविटी से खुश नहीं, उस समय आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये ऐसा प्लेजर नहीं चलेगा, आपको वैसा ही फेस एक्सप्रेशन भी करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो आपका फेस एक्सप्रेशन काम करेगा उस जगह पे। आठवां पॉइंट है ग्रेजुअल एक्सपोजर फॉर फियर्स, कि जैसे जैसे बच्चे में फियर्स है, जैसे किसी बच्चे में होता है किसी वस्तु से रिलेटेड, किसी जानवर से रिलेटेड या किसी भी थिंग से, कोई भी एक्स वाई जेड किसी से भी हो सकता है, तो जो फियर्स है उसको हम धीमे धीमे करके खत्म करेंगे। जैसे कि अगर एक बच्चा अगर डॉग को देख के उसके पास नहीं जाता है, तो डॉग को देखते ही कमरे के अंदर अगर कोई बच्ची है तुरंत कमरे के अंदर आ जाएगी, घर के बाहर नहीं निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, सड़क पे अगर कहीं देख रही है तो तुरंत रोने लगेगी, मम्मी के पास छुप जाएगी। तो इस तरीके के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर किसी घर में डॉगी है तो उस जगह पे हम उस बच्चे को लेके जाएंगे कि देखिए कि दूसरा बच्चा उस डॉगी के पास में है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको डॉगी कुछ नहीं कर रहा है। धीमे धीमे करके हम बच्चे को क्या करेंगे, डॉगी के वाले जो बच्चा है उसको पास मिलाएंगे और हम भी जो प्रॉब्लम बिहेवियर जो बच्चे के में डर है उसको पास में लेके जाएंगे, नेक्स्ट डे और पास में लेके जाएंगे, धीमे धीमे करके एकदम पास डॉगी के आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चा डॉगी से डरेगा नहीं और ये क्या जो प्रॉब्लम बिहेवियर थी फियरनेस की वो पूरी पूरी खत्म होने लगी। ऐसे ही किसी पर्सन से रिलेटेड अगर होगा तो पर्सन को भी रेपो बनाना पड़ेगा, पहले रेपो बनता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आया, कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा आता है कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टेक्निक्स इन्वॉल्व करने लगेंगे, अपना सब कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने लगेंगे। तो हमको क्या करना है कि बच्चे को हम ये ध्यान रखना है कि धीमे धीमे करके रेपो बनाते हुए उसके ये फियर्स को निकालेंगे, कि जैसे ही बच्चा आता है वो सोचता है कि हम हॉस्पिटल में आ गया, अगर हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगा तो उसको लगेगा कि हम कहीं पे हम डॉक्टर को दिखाने आए हैं या कहीं पे, तुरंत रोने लगेगा। तो हमको क्या करना है कि बच्चे से पहले रेपो बनाना है, रेपो तो यही फियर्स है, हमको धीमे धीमे करके उसके फियर को निकालना है, उसके साथ में स्किल कौशल व्यवहार को सिखाते हुए करना है, उसके साथ रेपो बनाना है, अच्छे अच्छे रिवार्ड को जितने रिइंफोर्समेंट है उसको देते हुए हम फिर उसका रेपो बनाएंगे, फिर उसके स्किल बिहेवियर को सिखाएंगे, प्रॉब्लम बिहेवियर को रिड्यूस करेंगे। तो ये ऐसे पनिशमेंट टेक्निक्स थे, जो आगे अब आ जाएगा नॉन पनिशमेंट टेक्निक। तो नॉन पनिशमेंट टेक्निक कौन कौन सी ऐसी होती है कि जिसके कारण से बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर को हम कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि एक्सटेंशन, ये भी एक चल रहा है एक्सटेंशन इग्नोरिंग, कि हम इग्नोर कर देना चेंजिंग, ये जो अभी मैंने बताया है इसी का पिक्चर के साथ में है, ये इग्नोरिंग करने की पिक्चर्स ये बनी थी, तो उसकी पिक्चर्स अब आई है, तो ये पिक्चर्स को हम आगे दिखा दे रहे हैं, टाइम आउट में क्या हो रहा है और फिजिकल रेस्टेंट पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए बांध दिया। तो ये पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं जो मैंने बताया है वो पिक्चर के रूप में आ गया, रिस्पॉन्स कास्ट जो उसको दिया था उसको वापस ले लिया टोकन को, ओवर करेक्शन देखिए ये सफाई कर रहा है बच्चा चाहे घर में हो चाहे बाहर, तो ये हमने आपको पिक्चर के रूप में ये दिखाया हुआ है। ग्रेजुअल जो एक्सपोजर फॉर फियर्स दिया है, ये देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने कुत्ते से जो बच्चा डरता था उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या फॉलो किया है, तो ये दिखाया है ये स्लाइड में। फिर है नॉन पनिशमेंट टेक्निक्स,
इसमें क्या हो जाएगा कि जो हम नॉन पनिशमेंट टेक्निक है वो पनिशमेंट टेक्निक थी और ये नॉन पनिशमेंट टेक्निक है जिसमें पनिशमेंट का यूज नहीं है। हम जो एक्टिविटी सिखा रहे हैं उससे मिलता जुलता जो हम उसको रिइंफोर्समेंट के साथ अटैच्ड करते हुए अदर बिहेवियर के साथ में हम एक्टिविटी को कराएंगे और समस्यात्मक व्यवहार का को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि है डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ अपोजिट बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि इस तकनीक में शिक्षक या अभिभावक उन व्यवहारों को रिइंफोर्समेंट देंगे जो समस्यात्मक व्यवहारों के विपरीत है। अगर बच्चा एक जगह पर नहीं बैठता था लेकिन जब आपने स्किल आईपी का गोल सिखा रहे हैं, आप कोई भी आईपी का टास्क है, बच्चा सीख रहा है और उस समय वो अपनी सीट से उठ के नहीं गया तो क्या हो गया? अपोजिट बिहेवियर। हमारा क्या था? टारगेट बिहेवियर, उसको बैठालना था, उसको सीट पे एक जगह बैठालना था। ये बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करना था कि वो बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता, इसको हमको मैनेज करना था। लेकिन जब आपने स्किल बिहेवियर सिखा रहे उस जगह बच्चा बैठा था, वो प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा? इस जगह पे हम डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ अपोजिट बिहेवियर ये टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं कि डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ अपोजिट बिहेवियर। फिर आ जाएगा डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ अदर बिहेवियर। जब बच्चा अदर बिहेवियर करता है, अदर बिहेवियर का मीन्स क्या हो जाएगा कि जब बच्चा की प्रॉब्लम बिहेवियर के साथ में अगर हम वांछनीय व्यवहार तो उसको सिखा रहे हैं, स्किल बिहेवियर सिखा रहे हैं और मेरा टारगेट बिहेवियर है कि बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, लेकिन वो जो स्किल बिहेवियर सिखा रहे हैं उसके साथ में दूसरा और स्किल बिहेवियर भी कर रहा है और वो वाला बिहेवियर जो समस्यात्मक व्यवहार है वो ना करके उस जगह दूसरा स्किल बिहेवियर कर रहा है, तो उस जगह पे हम नॉन पनिशमेंट टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे व्यवहारों के लिए अपोजिट में अदर बिहेवियर में हम क्या करेंगे, निश्चित समय तक जब व्यवहार गठित जो व्यवहार होना था, जैसे 12 से 1 बजे के समय पे हम पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर उस समय पे नहीं कर रहा है, तो हम उसको हम वहाँ पे नॉन पनिशमेंट टेक्निक इस वाली टेक्निक का प्रयोग हम करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ लो रेट बिहेवियर। हम जब डिफरेंशियल जो रिवार्ड देंगे लो रेट बिहेवियर, जब समस्यात्मक व्यवहार 10 बार आती थी 12 से 1 बजे के समय पे, लेकिन वो 12 से 1 बजे के समय पे 7-8 बार जो आती थी वो खाली 4 या 5 बार आई, तो हम रिइंफोर्समेंट देंगे, तो यहाँ पे नॉन पनिशमेंट टेक्निक का प्रयोग होगा क्योंकि समस्यात्मक व्यवहार आज उसने कम किया, उसका लो रेट है, फ्रिक्वेंसी उसकी कम आई है। फिर डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर। अल्टरनेटिव बिहेवियर का मीन्स है कम तीव्रता वाले व्यवहारों के लिए, मतलब कम तीव्रता का मतलब है जब अवांछनीय व्यवहार या समस्यात्मक व्यवहार से ध्यान हटाकर बच्चा वांछनीय क्रियाएं कर रहा हो, कि मतलब कि जब आईपी का गोल है तो आईपी का गोल ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि हम नॉन पनिशमेंट टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि ये डिफरेंशियल रिवार्ड ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर, कि जो हमारा अल्टरनेटिव का मतलब जो हमारा जो दूसरा था समस्यात्मक व्यवहार ना होके अदर बिहेवियर स्किल बिहेवियर का था उसको कर रहा है, उस जगह पे हम नॉन पनिशमेंट टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी नॉन पनिशमेंट टेक्निक्स थी। फिर अदर टेक्निक्स होगी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मीन्स है ये उनके लिए, ज्यादातर आईडी बच्चे हैं जिनके में आईक्यू की कमी है, बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे, जैसे उनके में बौद्धिक क्षमता नहीं है उतनी कि हम क्या वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनकी आईक्यू में कमी है, तो उस जगह पे वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपना नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्निक यूज हो जाती है ज्यादातर DI वाले बच्चों के लिए हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए हो सकती है, या बॉर्डर लाइन के जो IQ वाले बच्चे हैं उनके लिए हो सकती है, जिनकी IQ सही है, सब नॉर्मल के बच्चे हैं, या LD वाले बच्चों के लिए यूज हो सकती है और ऑटिज्म बच्चों के लिए भी यूज हो सकती है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक इसमें यूज होगी कि हमने जो बिहेवियर किया उसका सेम आत्म निरीक्षण करें कि आज मैंने एक डायरी को मेंटेन मतलब ये कर लिया सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि आज हमने वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर किया तो क्या किया, कितने बार किया, कहाँ किया, क्यों किया, कब किया और कितने बार किया और उससे क्या परिणाम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अपना पूरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन आत्म मूल्यांकन खुद अपना वो करेगा, बच्चा करेगा। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है अदर टेक्निक।
फिर है दूसरी सेल्फ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। ये भी सेल्फ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का मीन्स है कि जो बच्चा अपना रिकॉर्ड कर सकता है कि आज हमने जो एक्टिविटी कर लिया है कि आज हमने कितने बार अगर ये कोई गलत बिहेवियर अगर बच्चे में होता है कि गलत चीजें खाना या अगर जैसे नॉर्मल बच्चों में भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर्स होती है कि ज्यादा टीवी को देखना एक्सेस देखना, आज हमने कितनी देर टीवी देखी, कितने बार मैंने ये प्रॉब्लम बिहेवियर किया, इन सबका रिकॉर्ड ये डेली टू डेली डायरी में मेंटेन करना। आज मैंने किसी को गाली दिया तो कितने बार दिया, कभी कभी ये अब्यूजेस भी होती है, बच्चे दूसरे बच्चे को गाली भी देते हैं, तो ये गलत संबोधन कितने बार बच्चे ने किया इसका सेल्फ रिकॉर्ड भी कर सकता है, इससे भी अपने प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज कर सकता है। बस बसरते ये आईक्यू वाले जिनकी आईक्यू कम है उन बच्चों के लिए ये दोनों टेक्निक यूज नहीं होती है। फिर अदर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। इसके लिए क्या होता है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को भी बीच बीच में आप लोगों का कोई भी चीज हम सिखाएंगे, चाहे आपका प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट हो चाहे आपके आईपी से रिलेटेड गोल है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है और उनको एजुकेट जरूर करेंगे बच्चे को कैसे हम प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करेंगे, उसके बारे में कौन सी प्रॉब्लम बिहेवियर है, कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या हो रही है, हम अपने कैसा पूरा शेड्यूल केस हिस्ट्री पूरी बच्चे की लेंगे तो पूरी प्रॉब्लम बिहेवियर को हम लेंगे और पेरेंट्स के साथ में भी ये हम लेके रखेंगे कि उनको भी एजुकेट करते रहें कि कैसे हम मैनेज करेंगे, उनको भी कम्युनिकेट करते रहें कि बच्चे की प्रोग्रेस ये है, आज के टाइम पे आके असेसमेंट के समय ये है, कल के समय ये थी, क्वार्टरली क्या है, फाइनल क्या है और इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट के बाद में इवैल्यूएशन भी होता है, उसका मूल्यांकन भी होता है, आकलन के बाद मूल्यांकन भी होता है, तो स्टेप बाय स्टेप निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। तो एजुकेशन हम पेरेंट्स को भी देखे जाएंगे, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रखेंगे जिससे वो भी बच्चे के साथ जुड़े रहें और बच्चे के साथ ये जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो अच्छे ढंग से हो जाए। फैमिली थेरेपी, घर में जितने से लोग हैं सभी की फैमिली थेरेपी होगी, कम्युनिकेशन सबका होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली पेरेंट्स का होगा, जो खाली पार्टिकुलर एक मदर लेके आ रही है बच्चे को और वही प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट उसी को ही वो उसी की जिम्मेदारी है सीखने की, तो ऐसा नहीं है, फैमिली थेरेपी होती है सभी के लिए, सभी को इन्वॉल्व करना है। हो सकता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर हम माँ को हम सिखाए और पिता भी अगर बाई चांस आ भी गया लेकिन घर का अदर मेंबर उसका भाई भी है, उधर के घर के अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं, चाचा का लड़का, ज्वाइंट फैमिली अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके कारण भी प्रॉब्लम्स हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, तो फैमिली थेरेपी भी देना जरूरी है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और वो सभी फैमिली को इन्वॉल्व करना इसमें बहुत जरूरी है समय से समय पे कि जिससे बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर सॉर्ट आउट हो जाए और सॉर्ट आउट के साथ में सही समय पे उसका निराकरण हो। फिर है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कॉप अप बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए, और इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास इसका ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता है, फिर भी कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए आप जैसे पैगबोर्ड एक्टिविटीज है या अदर एक्टिविटीज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, घर के आप अदर सामान जो भी घर की एक्टिविटीज है जिसमें आपका लग रहा है सॉर्टिंग मैचिंग आइडेंटिफिकेशन, ये अदर जो कॉग्निटिव है जिसमें बच्चा अपने दिमाग का यूज करे, उसका पूरी तरीके से परसेप्शन का यूज करते हुए और ये मेमोरी का यूज करते हुए सब थेरेपी का, इसके लिए ये थेरेपी इन्वॉल्व होती है कि बच्चा अपनी कॉग्निटिव अपने संज्ञान को लेते हुए अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद समझते हुए उसका सॉल्व करने की कोशिश करे, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये उनके लिए इन्वॉल्व होता है जो इनके में ये समझने की पावर है और अपना इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया और इसका रिजल्ट ये होगा, इसका निगेटिव रिजल्ट आएगा या इसका पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिर सोशल ट्रेनिंग का मीन्स है इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल्स और टॉट टू द चिल्ड्रेन एंड आल्सो अबाउट द गुड कन्वर्सेशन, जो हम सोशल ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका गुड कन्वर्सेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉपरेट करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए, प्लेइंग वे एक्टिविटी के लिए सोशल ट्रेनिंग, घर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सब एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करना है,
हर सोशल ट्रेनिंग, बच्चे को, परिवार को, सभी सोशल एक्टिविटीज में प्रतिभाग करना है। स्कूल में भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हम बच्चे को हम सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हर बच्चा हर एक्टिविटी कर सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होता है, और हो सकता है कि वो बच्चा उस ढंग से अच्छे से नहीं कर पाए, उस गेम को ना कर पाए, लेकिन अदर गेम को तो कर सकता है, अदर क्रिएटिव एक्टिविटी को कर सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को भी सोशल ट्रेनिंग देना है, टीचर्स को भी सोशल ट्रेनिंग देना होगा, और बच्चे को भी सोशल ट्रेनिंग देना की आवश्यकता है कि इसको पूरा करें। फिर आगे आ जाएगा इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके लिए जो हम इवोल्यूशन करेंगे, फिर ये पूरा रिकॉर्ड जो हमने मेंटेन किया है इसको हम रिटेन में रखते हैं कि कल की पोजीशन क्या थी, आज की पोजीशन क्या है, और बच्चे में कहाँ कहाँ चेंजेस आई, कहाँ कहाँ जो मैंने टेक्निक्स अप्लाई की थी, हो सकता है कि बाद में वो टेक्निक्स बच्चे पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे हो सकता है प्रॉब्लम बिहेवियर बढ़ भी सकता है, हो सकता है प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये हम पूरा इवैल्यूएशन जब करेंगे तब आ जाएगा कि मूल्यांकन करने में कि प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट जो हम किए हैं वो यूजफुल रहा नहीं, यूजफुल है कि नहीं है, बच्चे ने आप कितना सीखा और आप उसके में स्किल बिहेवियर डेवलप हुई कि नहीं, क्योंकि हम वातावरण चेंज करते हैं ना। बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, वातावरण हम चेंज कर रहे हैं, वातावरण चेंज करके हम क्या करते हैं, स्किल बिहेवियर को अपग्रेड करते हैं और प्रॉब्लम बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। इसी के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं जिससे बच्चे की सोशल एक्सेप्टेंस समाज में, परिवार में, सेल्फ में उसका सेल्फ स्टीम आए, इसके लिए हम ये करते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये आज एक हमारा छोटा सा प्रयास था कि आप लोग को टिप्स बताने के लिए। तो ये हमारा ये नागेश जी, अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, विधिवत और विषयगत भाव को आपने आज सभी प्रतिभागियों के मध्य रखा। निश्चित ही कमेंट बॉक्स देख करके सभी प्रतिभागियों के भावों को जिस तरीके से लिखा जा रहा था देख करके आज आपके द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु उनके लिए कितनी ग्राह्य हो रही थी इसका आकलन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चंद्रभान त्रिवेदी जी, समन्वयक बचपन डे केयर प्रयागराज, क्या आप हमारे बीच जुड़े हैं सर? बिल्कुल 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 सर, नमस्कार। आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सर समय को ध्यान में रखकर प्रवेश प्रक्रिया बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज प्रवेश प्रक्रिया पे आप प्रकाश डालें सर। बहुत धन्यवाद नागेश सर, सीआरसी लखनऊ और बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के तत्वाधान में एक अच्छी शुरुआत हुई, और जो टॉपिक चुना गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं तो समस्यात्मक व्यवहार प्रबंधन की तकनीक, निश्चित रूप से जो हमारे 18 मंडल में सेंटर्स चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, व्यवहारात्मक समस्या रहती है, और जिस प्रकार से आदरणीय सविता शुक्ला मैम ने जिस व्यवहारिक तरीके से आकलन, पहचान, मूल्यांकन, समस्या का निदान निवारण बताया, आदरणीय मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन डे केयर सेंटर उस समय क्योंकि नेटवर्क इशू था इस वजह से थोड़ा सा वेबिनार में प्रतिभाग नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा हम जरूर बताना चाहेंगे कि बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज ये 2005-06 से संचालित है। 3 से 7 वर्ष तक के जो हमारे दृष्टि दिव्यांग हैं, बौद्धिक दिव्यांग हैं और श्रमण दिव्यांग हैं, इन बच्चों का नामांकन बचपन डे केयर सेंटर में होता है। अप्रैल से नामांकन शुरू होता है, दिव्यांगता वार 20-20-20 कुल 60 बच्चों की स्वीकृत क्षमता बचपन डे केयर सेंटर में है। नामांकन हेतु अप्रैल में बच्चे का आधार कार्ड, द्विवेदी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, चंद्रभान जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामियां हैं, नेटवर्क का इशू जगह जगह आज बना हुआ है। चंद्रभान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो नागेश सर। चंद्रभान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी समस्या के कारण चंद्रभान जी हमसे लेफ्ट हो गए हैं। मैं कार्यक्रम को अग्र भाग में ले चलते हुए कार्यक्रम में चंद्रभान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप पुनः जुड़े हैं हमसे जी चंद्रभान जी। अरे नागेश सर आ गए हम पुनः। जी जी सर कंटिन्यू करें सर। आवाज आ रही है नागेश सर? जी 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 सर जी 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 जी। तो मैंने जैसे बताया नामांकन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होती है और बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अगर ये उपलब्ध भी नहीं है तो हमारे शिक्षक असेसमेंट करते हैं और हम खुद ही प्रयास करते हैं उन बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा कर उनका प्रवेश ले लें। इसके अलावा बचपन डे केयर सेंटर में बच्चों के घर से आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था है। चार गाड़ियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो चार रूटों पे चलती हैं। निशुल्क ड्रेस की उपलब्धता है, निशुल्क स्टेशनरी है, निशुल्क सहायक उपकरण चाहे वो कान की मशीन हो, ब्रेल किट हो, एमआर किट हो, सभी उपलब्ध कराई जाती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ नियुक्त है, स्पीच थेरेपी की सुविधा है, संगीत चंद्रभान जी आप म्यूट हो चुके हैं। चंद्रभान जी अनम्यूट करें अपने को। हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो नागेश सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी हाँ जी बोलिए। बहुत क्षमा चाहते हैं जी जी। तो निशुल्क वाहन की सुविधा बचपन डे केयर सेंटर में, फिजियोथेरेपी की सुविधा, स्पीच थेरेपी की सुविधा, संगीत प्रशिक्षण की सुविधा। इसके अलावा जो बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं हर माह उनके हेल्थ चेकअप कैंप हमारे यहाँ आयोजित होता है। इसमें SRN हॉस्पिटल की टीम रहती है, डॉक्टर ईशान्या राज जो काल्विन हॉस्पिटल में है इनकी टीम रहती है जो ID बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है। इसके अतिरिक्त वात्सल्य हॉस्पिटल की टीम भी हमारे यहाँ आती है और बच्चों का हेल्थ चेकअप भी होता है। बच्चों के मनोरंजन के सभी साधन बचपन डे केयर सेंटर में हमारे उपलब्ध हैं, चाहे टेलीविजन हो, प्रोजेक्टर हो, गेम कॉर्नर है, पूरी खेल सामग्री उपलब्ध है और बच्चों के जो खिलौने होते हैं बेबी स्कूटर वगैरह ये सब बच्चों की रुचियों के अनुकूल हमारे यहाँ सभी उपलब्ध हैं। तो बहुत धन्यवाद आज नागेश सर का जो एक अच्छी शुरुआत करी हमारे सेंटर्स पे, जो हमारे शिक्षक इस वेबिनार में जुड़े थे निश्चित रूप से उन्होंने लाभ उठाया होगा क्योंकि जो हमारे बचपन डे केयर सेंटर्स हैं इसमें छोटे बच्चे हैं, व्यवहारात्मक समस्या होती है। हम देखते हैं कभी कभी बच्चे आते हैं क्लास में बैठते हैं, शर्ट फाड़ लिया या पेंसिल तोड़ दी या कोई चीज और तोड़ दी, तो कई व्यवहारात्मक समस्या होती है। जिस प्रकार से जो हमारी वक्ता मैम हैं इन्होंने बहुत व्यवहारिक ढंग से जिस प्रकार से समझाया, जो हमारे टीचर्स जुड़े थे, जो अन्य बचपन के हमारे टीचर्स जुड़े थे वह प्रयागराज के और जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स और साथी जो फ्रेशर्स हमारे हैं जो डिग्री तो ये कोर्स कर रहे हैं वो सब जुड़े थे, निश्चित रूप से उन्हें लाभ पहुंचा होगा। तो निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद सियासी लखनऊ को कि जिस प्रकार से उन्होंने जो ये बताया कि किस प्रकार से हम संयुक्त तत्वावधान में जानकारी आपस में साझा कर सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा इधर जिसमें सहयोग भी हम सियासी लखनऊ का लेना चाहेंगे। इधर ऑनलाइन जब कोरोना काल था तो ऑनलाइन टीचिंग में हम लोगों ने अभिनव प्रयोग किए करीब 140 वीडियो शैक्षिक वीडियो बचपन डे केयर सेंटर के हमारे टीचर्स ने तैयार किए जो बच्चों को भेजे गए और बच्चों के प्रत्युत्तर भी प्राप्त किए गए। जैसे फलों की पहचान है तो एक वीडियो ऐसे बनाया गया कि बच्चे जैसे क्लास में प्रत्यक्ष सामने हों कि देखिए बच्चों ये क्या है, ये आम है, आम कैसा होता है, इस कलर का होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, जैसा भी हो जिस प्रकार से वीडियोज बनाए गए अच्छी विषय वस्तु के साथ हम लोग गार्जियन से जुड़े रहे, उनके बच्चों से जुड़े रहे, उनका जो रिस्पांस आया बहुत अच्छा है। तो आग्रह करते हैं हम पूरी टीम से जो हमारी सियासी लखनऊ है कि अगर इस प्रकार के वीडियोज उपलब्ध हो, अगर इस प्रकार के और भी सामग्री उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से वो हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने बच्चों को और भी अच्छी तरह से शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें। और अंतिम में डॉक्टर रमेश पांडे सर
बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व हैं आदरणीय रमेश पांडे जी, ऐसे किरदार हैं जो जहां भी पहुंचते हैं परिवेश को जीवंत, खुशनुमा और जगमग बना देते हैं। इसी तरह जिस प्रकार से सीआरसी लखनऊ द्वारा ये शिक्षण का ये जो संगोष्ठी, जो शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित होती है, निश्चित रूप से सभी लाभान्वित होते हैं। हमारे स्पेशल एजुकेटर लाभान्वित होते हैं, हमारे गार्जियंस लाभान्वित होते हैं। ये काम लगातार चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश सर और पूरी सीआरसी टीम को एक बार से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निरंतर सभी बचपन डे केयर सेंटर और उत्तर प्रदेश में हमारे जुडिशियर में आने वाली सार्वजनिक रूप से काम करने वाली संस्थानों के साथ सीआरसी लखनऊ निरंतर अपना कोलैबोरेशन करके कार्यक्रमों को आपके बीच ला रहा है। हमारा उद्देश्य है संस्थाओं के बारे में जन जागृति हो, तथा हम जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे द्वारा निर्मित तथा सीआरसी लखनऊ द्वारा निर्मित जो विषय वस्तु है वह विभिन्न सेंटरों तक कैसे पहुंचाई जाए, उनके निधि तक कैसे पहुंचाई जाए, इस क्रम में यह शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सर्वशिक्षा अभियान कौशाम्बी के साथ कार्यक्रम किया पिछले दिन, और तत्पश्चात आज हम बचपन डे केयर प्रयागराज के साथ रहे। ऐसे ही निरंतर हम संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके यह विषय बिंदुता आपके बीच लाते रहेंगे। द्विवेदी जी, हमारे द्वारा निर्मित जो भी वीडियो सामग्री है वह निरंतर अब बचपन डे केयर सेंटर को भेजी जाएगी, उससे बच्चे लाभान्वित होंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विकास मिश्र सर को कि आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, आतिथ्य को प्राप्त सभी अतिथियों का, वक्ता का तथा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र जी। नागेश सर, सुमित जी कुछ कह रहे हैं, बोले सर। पीपीटी मेरे को नहीं मिला, कल का भी और आज का भी चाहिए सर। पीपीटी के लिए आप सभी से निवेदन रहेगा, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें पीपीटी व्यवस्थित रूप से दिखाई देती है। पीपीटी सार्वजनिक करने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए पीपीटी नहीं भेजते। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप उसमें देखेंगे एक तरफ वक्ता आधी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आधी स्क्रीन पर पीपीटी चल रही। आशा है आप सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। विकास सर, कंटिन्यू। धन्यवाद नागेश सर। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवियों का मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से सादर अभिवादन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आज का कार्यक्रम बचपन डे केयर सेंटर प्रयागराज के साथ में कोलैबोरेट होके सीआरसी लखनऊ ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बचपन डे केयर की टीम, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जरूर सीआरसी लखनऊ आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम आप सभी के मध्य लाता रहेगा, आयोजित करता रहेगा। धन्यवाद के क्रम में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नंद किशोर याग्निक सर को। सर को सादर प्रणाम करता हूं और सर को सादर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। सर ने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए एक समय निकाला और आज हमारे इस पटल पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDUNIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सीआरसी लखनऊ के आदरणीय डायरेक्टर श्री रमेश कुमार पांडे सर, जो कि लगातार हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करवाने में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है और सर के नेतृत्व में हम लोग लगातार इस तरीके के विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं आज की रिसोर्स पर्सन आदरणीय सविता मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैडम ने एक बहुत विस्तृत व्याख्यान विषय संबंधी हम लोगों के समक्ष रखा और निश्चित ही हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इस PPT से और उनके इस व्याख्यान से जरूर लाभ प्राप्त कर पाए होंगे और अपने जो भी जिस किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ वो काम कर रहे हैं तो उसके साथ वो इस ज्ञान के माध्यम से इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा आज के सभी हमारे कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर, श्री नागेश पांडे सर, पंकज आर्या मैडम,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक साथ एक टीम के रूप में ऐसे एक कार्यक्रम को आयोजित करवाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ की समस्त टीम को, समस्त ऑफिशियल्स को, आईटी टीम को, कि उनके माध्यम से इस तरीके के वेबिनार आयोजित हो पा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो हमारे साथ उपस्थित होते हैं और आज और इस तरीके के वेबिनार में शुचिता बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, हमारी शैक्षिक गतिविधियों में हमारा साथ दें, और आपका साथ और आपका समन्वय हमें नित ऊर्जा प्रदान करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम नए नए विषयों के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित हो पाए। आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद नागेश सर। धन्यवाद विकास सर। यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। सभी विशिष्ट जनों को सीआरसी लखनऊ की तरफ से पुनः धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम। यहाँ पे यह कार्यक्रम पूर्ण होता है। सीआरसी लखनऊ की निरंतर रचनात्मक गतिविधियां आपके बीच आती रहेंगी, उसकी सूचना विशेष पटलों से आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। आज का कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण हुआ। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम।